candidates and welcome to government crackers so uh break, ready for the series so it's a non-stop series i hope you all are ready with your dinners done बिकॉज बीच में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है सो टुडे विल बी गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स 2011 थाउजेंड अलेवन टू टू एंड सीरीज़ वन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द मॉर्निंग जहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स कंप्लीट एफ ओ सफेस डिसकस करे हैं सो ऑल दिस कैंडिडेट्स हु हैव मिस दैट पर्टिकुलर वीडियो आप जाके वहाँ से इम्पॉर्टेंट एफ ओ सफ़ैस को कवर अप कर सकते हैं सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ़ द डे जहाँ पे विल बी डिस्कसिंग वन बाई वन

इन डिटेल तो आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और राइट सो तब तक जब तक स्टूडेंट्स बाकी और आ रहे हैं और uh, मैं आपको तब तक ये बताना चाहती हूँ दैट जी के इज नॉट द ओनली सेक्शन और जी के इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यू टू पास द एग्जामिनेशन ठीक है वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इसलिए यू डू नॉट नीड टू बी पैनिक ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो लास्ट मोमेंट्स हैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है प्लस बट प्लीज डोंट पैनिक ठीक है जो मैंने आपको बताया क्योंकि इट्स नॉट अ एग्जामिनेशन जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करना कंपलसरी है अगर आप कोई सेक्शन के एक भी क्वेश्चन नहीं अटेंड करते तब भी आप इस एग्जामिनेशन को इजीली जो है क्लियर कर पाएंगे जैसे मैंने बोला कि कोई सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं जाने वाली तो अगर आपका जीके के अलावा कोई पर्टिकुलर सेक्शन फॉर एग्जांपल मैथ्स में लोगों को काफ़ी डर होता है तो अगर जीके हो गया मैथ्स हो गया कोई ऐसा सेक्शन जो आपको बहुत डर लग रहा है या आपको उसमें से कुछ ही क्वेश्चन आते हैं आपने बाकी सेक्शंस की बहुत अच्छे से तैयारी की है देन ऑल्सो आई लाइक टू टेल यू कि आप बहुत आराम से जो है अच्छे स्कोर से एग्जामिनेशन अपना क्लियर अप कर लेंगे यूजअली uh, कैंडिडेट्स uh, जो होते हैं या चिल्ड्रेन जो होते हैं वो पैनिक करते हैं सो अवॉइड दिस लास्ट मोमेंट स्ट्रेस उसमें क्या होता है कि वी ऑल गो ब्लैंक हमें आता सब कुछ है मगर हम ब्लैंक हो जाते हैं आई होप ये सिमिलर सिचुएशन आप लोगों के सामने आती होगी क्वेश्चन देखा पढ़ा था लेकिन ब्लैंक हो गए समझ नहीं आ रहा कि आंसर करें ठीक है या जल्दी जल्दी में गलत आंसर कर जाते हैं सो so इसीलिए Uh, पहले मैं बोलूंगी कि रिलाई ऑन द लिमिटेड सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल वॉट एवर यू आर हैविंग एंड उसके बाद आप लोग जो है आप पैनिक ना करें जो भी है जितना भी पढ़ा है बस उसको आप रिवाइज करते जाइए उससे क्या होगा लास्ट मिनट आपका जो है कॉन्फिडेंट बूस्टअप करेगा ठीक है एंड जैसे मैंने बार बार बोला इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए दैट वन सेक्शन कांट स्टॉप यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन ठीक है एंड बिलीव इन योर सेल्फ यही मूल मंत्र है टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन जो भी आपने पढ़ा जितना भी आपने पढ़ा वेबसाइट पे आप क्या देख रहे हैं किसी चैनल पे आप क्या देख रहे हैं इंटरनेट पे आप क्या क्या देख रहे हैं आपके फ्रेंड ने पढ़ा पढ़ा मैटर जो आपने है वही एग्जाम में आएगा आपको ये समझना है ठीक है एंड आपके रिवीजन के अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कवर करना चाहते हैं वो आप डेफिनेटली कवर कर सकते हैं बट नॉट इन अ पैनिक सिचुएशन तो बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको ये सेक्शनल कट ऑफ दिखा दूं तो जैसे मैंने बोला पहली बात तो कोई सेक्शनल कट ऑफ जाती नहीं है एंड नो पर्टिकुलर सेक्शन कैन स्टॉप यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन आप पूरा का पूरा मैथ सेक्शन छोड़ दीजिए या आप पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन छोड़ दीजिए ये मैं वर्स्ट सिनेरियो में बात कर रही हूँ तब भी अगर आप किसी भी तीन सेक्शन के साथ जाते हैं देन ऑल्सो यू कैन ईजिली स्कोर अराउंड टू मार्क्स ठीक है तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है टू मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आप जनरल अवेयरनेस को छोड़ दें या ढाई मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आप अपने मैथ्स को छोड़ देते हैं ठीक है इसीलिए बिना पानी के आराम से हम एक एक करके आप डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग और अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके बुक्स को भी आप uh, खरीद सकते हैं गवर्नमेंट ग्राकर्स की वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट गवर्नमेंट ग्राकर्स डॉट कॉम वहाँ से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं टू थाउजेंडेंड इलेवन से टू थाउजेंड ट्वेंटी तक आपको सारे जो है क्वेश्चन पेपर्स पी डी एफ फॉर्म में आपको अवेल मिल जाएंगे ठीक है सो वन बाय वन अभी मैं क्या करूँगी क्वेश्चन आई होप सफिश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देर तो अब एक एक करके मैं क्वेश्चन बोलते जाऊँ आती और उसके अलावा आप जो है थर्टी सेकंड्स आई एल बी वेटिंग और तब तक आप लोग अपने आंसर्स कमेंट कर सकते हैं इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा ठीक है सो फर्स्ट इज 2019-2020 इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ठीक है एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिले बट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है तो उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे तो so, आते हैं 2019 पे 2019 का जो हु वॉन द गोल्डन बोट फॉर फीफा टू थाउजेंड आपके ऑप्शन हैं हैरी केन लाइनन मेसी क्रिस्टियाने रोनाल्डो एंड मोहम्मद साला ठीक है तो आपको इसमें बताना है फीफा 2018 में गोल्डन बूट टू किसको किस को मिला था ठीक है आप लोग अपने आंसर्स कमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं 30 सेकेंड्स जैसे मैंने बोला आई एम वेटिंग एंड उसके बाद फिर मैं आपको राइट right आंसर बताती हूँ यहाँ पे ठीक है तो जल्दी जल्दी से अपने आंसर्स को कमेंट करिए एंड इन बिटवीन हम सिर्फ अभी जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको मैं बाद में एड्रेस कर दूंगी आई कैन कीप अ सेशन ऑन सनडे मीनवाइल अभी मैं आपके कोई भी आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रही हूँ अभी हम सिर्फ जो है वो फोकस करेंगे करंट अफेयर्स पे ठीक है चलिए काफी आंसर्स आ गए हैं तो अब मैं आपको यहाँ पे आंसर बता दूँ, द राइट आंसर वुड बी हैरी केन ठीक हैरी केन यहाँ पे राइट right आंसर होगा हैरी केन जो है इन इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हैरी केन ने एडिडास गोल्डन बूट अवार्ड को जीता था हैरी केन जो हैं वो इंग्लैंड के लीडिंग गोल स्कोरर थे 2018 फीफा वर्ल्ड कप में जिन्होंने एडिडास गोल्डन बूट अवार्ड को जीता था एंड फ्रांसिस एंटोनी ग्रीजमैन एंड बेल्जियम्स रोमेलू लुकाकू ये सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन पे आए थे तो आपको एक नाम पता होना चाहिए सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन पे कौन आया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत की पहली डिफेंस मिनिस्टर कौन है शकुंतला देवी निर्मला सीतारमन झांसी रानी या मीनाक्षी सुंदरामा सो द आंसर ह्योर इज़ वेरी ईजी इट इज़ निर्मला सीतारमन जो फर्स्ट फुल फ्लेस्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी uh, दो इंदिरा गांधी ने uh, इसका पोर्टफोलियो आप कह सकते हैं एक पोर्टफोलियो की तरह आप मान सकते हैं कि पहले इंदिरा गांधी भी थी बट इन एडिशन उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा रिस्पांसिबिलिटीज थी इसीलिए जो फुल फ्लैश्ड हम बोलेंगे दैट वॉज निर्मला सीतारमन ठीक है सो वेरी गुड कीप गोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन ह्योर विच कम्स इज वॉट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया नाइजीरिया की कैपिटल बताइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सो so, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया ओके तो यहां पे मैं आपको बता दू आंसर इज अबूजा अबूजा इज अटी कैपिटल ऑफ नाइजेरिया इट बेसिकली लाइज इन देंट्रल पार्ट ऑफ नाइजेरिया इन द फेडरल कैपिटल टेरिटरी एफ सी टी ठीक है सो दिस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है हुउंडर ऑफ सातवाना डायनेस्टी सातवाना डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताना है आपको योर ऑप्शन आर पुष्यमित्रा शुंगा सिमुका वासुदेवा या दांती दुर्गा चलिए कमेंट करिए अपने आंसर्स को देखते कि इसके कितनी अच्छी प्रैक्टिस है आप लोग अपने आप को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एंड एट टाइम्स देर आर चांसेस कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में आपके रिपीट हो जाएं ऑल राइट सो हियर द राइट आंसर वुड बी द फाउंडर ऑफ सातवना डायनेस्टी इज सिमुका ठीक है He and his successor established their authority from the mouth of Krishna River to the entire Deccan Plateau. ठीक है सो इन्होंने किया क्या था पुरान कहता है कि इन्होंने सातवाना के किंग को मारा था जो लास्ट रूलर थे कानवा रूलर ऑफ मगध एंड उसके बाद पूरा का पूरा किंगडम इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी बाउंसर्स आर अलाउड इन एन ओवर इन टी ट्वेंटी एक ओवर में कितने बाउंसर्स जो हैं वो अलाउ किए जाते हैं टी ट्वेंटी में आपको इसका आंसर बताना है ठीक है तो आप इसके आंसर्स को गैस करिए कितने बाउंसर्स दिए जाते हैं आई होप मोस्ट ऑफ यू नो द राइट आंसर्स सो करेंटली बोलर्स आर अलाउड टू डिलीवर टू बाउंस ठीक है दो ही बाउंसर्स पर ओवर इन टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल्स एंड वन पर ओवर इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल्स ये अप्लाई होते हैं ठीक है सो योर आंसर वुड बी वन क्योंकि टी ट्वेंटी में आपके वन डिलीवर होते हैं एंड वन डे एंड टेस्ट क्रिकेट्स में आपके दो बाउंसर्स पर ओवर ठीक है आई होप आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन Who was the first Indian to win the All England Badminton Championship? कौन था? आप बताइए। First Indian to win the All Indian Badminton Championship. Yes, comment करिए अपने answers को। Okay. So here मैं बता दूं, the right answer is प्रकाश पादुकोन। Prakash Padukone was born in 10th June 1995 and he is a former Indian badminton player. He ranked number 1 in 1980 also. And the same year he became the first Indian to win all England badminton championship. Clear? Next, which state celebrates the Hornbill festival? आपको स्टेट बताना है दैट विच स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिब्रेटिंग द हॉर्नबिल फेस्टिवल ठीक है ओके कीप आंसरिंग यस ओके सो हियर द राइट आंसर वुड बी नागालैंड नागालैंड इज द स्टेट विच सेलिब्रेट्स योर हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर मैं आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बताऊं, सो नागालैंड का ये हेरिटेज फेस्टिवल भी माना जाता है ठीक है एक विलेज है यहाँ पे किसामा जो 12 किलोमीटर अवे है फ्रॉम कोहिमा डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो इस फेस्टिवल को एज़ हेरिटेज फेस्टिवल मनाते हैं ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन हैं आई होप काफ़ी ईजी होगा यह आंसर करने के लिए येस yes, यहाँ पे आपका राइट right आंसर है मीरा कुमार आपने सुना होगा बॉर्न थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन फोर्टी फाइव में मीरा कुमार का जन्म हुआ था एंड शी वॉज द इंडियन पॉलिटिशियन एंड फाइव टाइम मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और uh, उन्हें नॉमिनेट करा गया था 2017 में प्रेसिडेंट के लिए भी आपको पता है और वुमेन स्पीकर की अगर मैं बात करूं लोकसभा की सो शी वाज द स्पीकर फ्रॉम 2009 टू 2014 के टाइम स्पैन में शी वाज द स्पीकर ऑफ लोकसभा बीइंग द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज़ द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर का आपको नाम बताना है येस यू कैन स्टार्ट कमेंटिंग योर आंसर्स नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो इस तरह के जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को गो थ्रू करते हैं सो यू गेन कॉन्फिडेंस ऑल्सो एंड यू कम अक्रॉस एन नंबर ऑफ क्वेश्चन विद डिफरेंट वेराइटीज़ सो यू गेट क्लियर आइडियाज ऑल्सो और थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप और क्लियर हो जाते हैं ओके सो टॉकिंग अबाउट स्वतंत्रता पार्टी राजगोपालाचार्य जो हैं ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी दिस पार्टी वॉज इंडियन क्लासिकल लिबरल पोलिटिकल पार्टी जो नाइनटीन फिफ्टी नाइन से मैं कहूँगी नाइनटीन सेवेंटी फोर तक एग्जिस्ट किया था ठीक है एंड इट वॉज फाउंडेड बाई हिम इन रिएक्शन टू नेहरू डोमिनेटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस तो उसके आउटलुक में इन्होंने एक सोशलिस्ट एंड स्टेटिस्टिक पार्टी बनाई थी स्वतंत्रता पार्टी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल ऑफ म्यांमार एट लीस्ट इस तरह के क्वेश्चंस देखिए हमेशा आपके आ, किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन में मैं कहूँगी आप देंगे तो आएंगे तो जो इंडिया है उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं या जिनके साथ इंडियन Indian... इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं उनके कैपिटल्स को बारे में या कोई ऐसी कंट्री जो करंट अफेयर्स में अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हो तो उनसे रिलेटेड जो है वो बाउंड्रीज हो गए अगर कोई पर्टिकुलर नेम है इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के या आपके जो का कैपिटल्स हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा नाम उनका ठीक है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं म्यांमार बींग द यू नो नेबर कंट्री हमें पता होना चाहिए सो द न्यू नेम इज़ नेपिता इज़ द कैपिटल ऑफ़ म्यांमार आंसर इज़ बी ठीक है एंड पहले इसको यंगून के नाम से जाना जाता था या रंगून जिसे मैं कहूँगी पहले यंगून नाम हुआ फिर उसके बाद रंगून नाम हुआ ठीक है एंड बर्मा जो है इसकी पहले इंडिपेंडेंट कैपिटल थी उसके बाद इसको जो है रिवाइज़ किया गया इसके नाम को टू थाउजेंड सिक्स के बाद और बाद में ये चेंजेस को अमेंड किया गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र किसने ये टाइटल किसने लिखा था वेरी इजी क्वेश्चन अगेन मोस्ट ऑफ यू कैन आंसर इज करेक्टली येस एज आई एम एज फार आई एम सिंग आपको पता है अर्थशास्त्र आर्यभ्टा इज द राइटर ऑफ द बुक दैट इज रनिंग फॉर द एम्पायर रिटन बाय कौटिल्य ऑल्सो नोन एज चाणक्य ठीक है एंड इंडियन स्टेटमेंट एंड फिलोसफर चीफ एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडियन एम्पर चंद्रगुप्ता मौर्य नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र किसने लिखा था तो आई होप मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस सो यस द राइट आंसर इज बी चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था एंड ही इज नोन एज चाणक्य एंड वॉज एन इंडियन स्टेटमैन एंड फिलोसफर या मैं कहूँगी चीफ एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन एम्पर चंद्र गुप्ता के टाइम पे जो कि फर्स्ट मॉरियन रूलर थे उनके टाइम पे जो है इन्होंने इस बुक को लिखा था नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज नोन एज द कथीड्रल सिटी कथीड्रल सिटी किस सिटी को कहा गया है ये यू कैन स्टार्ट कमेंटिंग यूर आंसर्स तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्राम स्टार्टिंग जी के सेगमेंट कथीड्रल सिटी इज योर भुवनेश्वर वाई बिक एंशेंट इंडिया के टाइम पे यानि कालिंगा किंगडम के टाइम पे भुवनेश्वर जो नाम दिया गया है दिस मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स और इसे जो है मॉडर्न कैपिटल ऑफ ओडिशा कहा गया है इसी लिए इसका नाम जो है कथीड्रल सिटी के नाम से भी जाना जाता है ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हु द फर्स्ट सी एम ऑफ बेंगाल स्टेट बेंगाल स्टेट के आपको फर्स्ट सी एम के यानी चीफ मिनिस्टर का नाम बताना है यस कैन यू गेस इट आप अपने नाम बता सकते हैं तो ह्योर द राइट आंसर वुड बी बी प्रफुल्ला चंद्र सेन वॉज द फर्स्ट सी एम ऑफ बंगाल स्टेट अब बंगाल स्टेट क्यों है क्योंकि एक टाइम पे जो है बंगाल कैपिटल थी इंडिया की इसलिए बंगाल के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड इन द वर्ल्ड गोबी डेजर्ट के बारे में आपको बताना है कहाँ पे ये डेजर्ट जो है लोकेटेड है ठीक है आपके आंसर्स यहाँ पे हैं एंड एट टाइम्स यहाँ पे कंफ्यूजिंग आंसर्स भी क्रिएट हो सकते हैं तो हमें क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स को देखना है तो आप यहाँ पे देखिए North China, South Mongolia, China, yeah, both A and B. So here Telling about Gobi Desert, the right answer here is D, both A and B, क्योंकि इसके boundaries touch करते होंगे। Gobi Desert के बारे में मैं बताऊँ, so it is the largest desert region which is located actually in northern China and southern Mongolia। ये जो desert है, इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊँ, so ये जो desert का basin है, ये Gobi के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये bounded by

वट इज द एब्रुविएशन ऑफ एल सी ए ठीक है विज इट लेबर कंडीशन एप्लीकेशन लेबर कंडीशन एप्लीकेंट लेबर क्राइटेरिया एप्लीकेशन और लेबर क्राइटेरिया एप्लीकेंट ठीक है तो आप लोग कमेंट करके अपने आंसर्स बता सकते हैं हियर द राइट आंसर वुड बी ए लेबर कंडीशन एप्लीकेशन ये क्या होता है एल सी इज बेसिकली अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट देन एच वन बी स्पॉन्सर एम्प्लॉयर नीड्स टू फाइल विद यू एस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर बिफोर दे फाइल एच वन बी पटिशन ठीक है सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फाउंडर ऑफ आगरा आपको बताना है कि फाउंडर ऑफ आगरा कौन था सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी बहलुल लोधी या इलतुतमश सो so, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है क्योंकि सारे के सारे लोधी डिनेस्टी से हैं बट आप लोग राइट आंसर बता सकते हैं एनी आइडिया एनी गेसेस ओके सो ये आपका डेली सल्तनत से क्वेश्चन है हिस्ट्री के सेगमेंट में अगर मैं बात करूं और फाउंडर ऑफ आगरा इज एक्चुअली योर सिकंदर लोदी ठीक है जिन्हें मॉडर्न आगरा का फाउंडर कहा जाता है लोदी डेनेस्टी में डेली सल्तनत से से और सिक्सटींथ सेंचुरी के आसपास जो है इनका किंगडम था बाबर जो थे ये फाउंडर थे मुगल देस्टी. डायनेस्टी uh, के एंड ये भी कुछ टाइम आगरा रुके थे इन्होंने वहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट दिया था पर्शियन स्टाइल गार्डन्स का आगरा में और बाद में एम्पर अकबर ने आगरा फोर्ट एंड फ़तेहपुर सीकरी वहाँ आगरा में बिल्ट करवाया था लेकिन उसके बाद फुल्ली जो मैं कहूँगी आगरा को मॉडर्न आगरा को जिन्होंने डिस्कवर किया था दैट वाज इन पीरियड ऑफ डेली सल्तनत लोधी डिनेस्टी जिसे सिकंदर लोधी ने डेवलप करा था नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द बुक डेथ ऑफ अ सिटी अब यहां पे बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड क्वेश्चन डेथ ऑफ सिटी वन ऑफ द वेरी फेमस बुक्स इसे किसने लिखा था सो so, यहां पे मैं आपको बताऊं द राइट आंसर इज माइक वॉल्श सी रोट द बुक डेथ ऑफ सिटी माइक पॉश बेसिकली ही सीईओ ऑफ टूमो अ ग्लोबल कंसल्टेंसी ऑन डिजाइनिंग कंपनीज तो इन्होंने इस बुक को ऑथर किया है नेक्स्ट क्वेश्चन टू विच स्पोर्ट ड गीत सेठी इज रिलेटेड टू वेरी फेमस वेरी सिमिलर वेरी फिमिलियर क्वेश्चन गीत सेठी कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं येस यू कैन कमेंट योर आंसर

गोल्डन थ्रेश होल्ड रिटन बाई होम गोल्डन थ्रेश होल्ड किसने लिखा था यू नीड टू आंसर वेरी फेमस थिंग गोल्डन थ्रेश होल्ड नाइनटीन जीरो फाइव में लिखा गया था फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट वॉज रिटन बाय सरोजनी नायडू ठीक है सरोजनी नायडू को हम यूजली इट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं जिसे भारतीय कोकिला हम हिंदी में कहते हैं ठीक है सो अगेन वन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सरोजनी नायडू इज ऑल्सो नोन एज नाइट एंगल ऑफ इंडिया जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता रही हूँ ठीक है सो हियर बी एंड अपू थाउजेंड नाइनटीन सेशन एंड नाउ विल बी फोकसिंग ऑन टू थाउजेंड एंड एटीन ऑल राइट सो लेट इज स्टार्ट विदू थाउजेंड एंड एटीन सेशन फर्स्ट क्वेश्चन इंडियन हॉकी टीम कैप्टन इन दर नाइनटीन टवेंटी इंडियन हॉकी टीम का जो कैप्टन था वो कौन था ये आंसर्स एन एल एल बी टेलिंग यू द राइट आंसर्स तो फर्स्ट पर्सन इस तरह के आप क्वेश्चन का अगर मैं एनालिसिस भी साथ साथ में करती रहूँ तो फर्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स आपने देखा काफी क्वेश्चन रिपीट हुए बुक्स एंड ऑथर्स से फर्स्ट पर्सन रिलेटेड हु इज हु रिलेटेड क्वेश्चन तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है अब अपने स्टार्टिक या करंट अफेयर से कवर कर सकते हैं कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इंडियन हॉकी टीम कैप्टन नाइनटीन ट्वेंटी एट द राइट आंसर इज जयपाल सिंह मुंडा ही वॉज द इंडियन हॉकी टीम कैप्टन इन द ईयर नाइनटीन ट्वेंटी एट जयपाल सिंह मुंडा के बारे में अगर मैं बताऊँ सो बीग मुंडा तो आपको पता है ये एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करते थे and uh, uske bad he was a member of constituent assembly also and he captained the indian hockey team to clinch gold in 1928 summer olympics so in amsterdam mein, next question which biome has a long dry season konsa biome uh, has a very long and dry season तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इको आपको प्रोवाइड किए गए हैं आपको इसमें बताना है कि कौन से सिस्टम में लॉन्ग ड्राई सीजन होता है तो ह्योर द राइट आंसर वुड बी सवाना सवाना द इको सिस्टम ऑफ अ रीजन उसे बायोम कहते हैं एंड बायोम इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इको सिस्टम सवाना बायोम में सबसे ज़्यादा लॉन्ग एंड ड्राई सीजन्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज माइक पॉबल्स लॉन्ग जंप रिकॉर्ड इन मीटर्स देखिए कभी कभी ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं तो इसलिए मैं बोलती हूँ अगर कोई ऐसा स्पॉट्स हुआ जहाँ पर आपको बिल्कुल स्पेसिफिकेशन्स uh, दिए हुए हों तो वहाँ पर आप बिल्कुल स्पेसिफिक रहिए उनको नंबर्स को फिगर्स को याद करने के लिए सो ह्योर द राइट आंसर वुड बी आंसर ए एट पॉइंट नाइन फाइव मीटर्स It was in 1991, World Championship Athletics Tokyo. Powell broke Bob Beamon's almost 23 year old jump record by 5 centimeters. Okay? So, this is 29 feet, four, 4 and a half inches, and 8.95 meters and short. Next question Who was the first ever woman prime minister in the world? इन द वर्ल्ड की बात करिए फर्स्ट एवर वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन वर्ल्ड नॉट इन इंडिया तो हम यूज क्वेश्चन ओवर लुक का भी मत करिएगा हम हमेशा फर्स्ट एवर वुमेन प्राइम मिनिस्टर सुना और देखा और इंदिरा गांधी लगा दिया बट इन द वर्ल्ड तो ये बाद में हमसे मिस हो जाता है प्लीज नेवर ओवर रीड द क्वेश्चन सो आप अपने आंसर कर सकते हैं इन द वर्ल्ड आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर ओके फ्यू आंसर आर कमिंग राइट आंसर वुड बी एनी गेसेस इट इज आंसर सी सीरीमा बंदाराइके ठीक है इनके बारे में मैं बताऊं ही वॉज अ श्रीलंकियन स्टेट्स वूमेन एंड शी बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट नॉन हेरिडेटरी फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड शी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इन नाइनटीन सिक्सटी

Republic of India annexed former Portuguese Indian territories of Goa, Damanendihu, starting with the armoured action carried out by Indian Armed Force. And finally, in 1961, Goa was taken by India. Okay, December May, approximately. Next question: Baltic Cup is related to which game? बैल्टिक कप आप यहां से देखिए कप्स एंड ट्रॉफी रिलेटेड स्पोर्ट्स टर्म्स इट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन्ट सेगमेंट ऑफ स्टैटिक पोर्शन तो आप स्पोर्ट्स टर्म्स को कवर कर सकते हैं सो बैल्टिक कप द राइट ऑप्शन ह्योर इज हॉकी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैल्टिक कप इज रिलेटेड टू विच गेम ओके वेरी इजी क्वेश्चन इजिली आप सब बता सकते हैं So Baltic Cup is related to football. Yes, football is the right answer. Baltic Cup basically it's an international football competition contested by national teams of the Baltic states. Baltic states are Estonia, Latvia, Lithuania and Finland. एज अ गेस्ट इसमें दो बारी पार्टिसिपेट कर चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन द हुक शॉट इज अटेड टू विच गेम हुक शॉट आपने सुना होगा कौन से गेम का टर्म है ये हुक शॉट इसी तरह वेरियस गेम्स के टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं सो so, फिलहाल यहाँ पे हुक शॉट के बारे में बात करेंगे सो हुकॉट इज अ फेमस टर्म दिस इज प्रेजेंट इन ए बास्केटबॉल ठीक है शॉट में होता क्या है दैट द ऑफेंसिव प्लेयर यूजुअली टर्न परपेंडिकुलर टू द बास्केट जेंटली थ्रोज द बॉल अ स्वीपिंग मोशन ऑफ द आर्म फादर फ्रॉम द बास्केट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द राइटर ऑफ द हिंदू संस्कृत बुक नृत्य शास्त्र इसके ऑथर राइटर आपको बताना है Any guesses? Few questions might be difficult for you. Okay. So I'll be telling you the right answer here. The right answer is D. Bharata Muni is the right answer. He was an ancient Indian theatologist. एंड म्यूजिकोलॉजिस्ट हु एक थियोरिटिकल एंशियंट इंडियन ड्रामा है बेसिकली ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम आउट इन वॉलीबॉल आप यहाँ पे टाइम आउट के बारे में देखिए कितना डिफरेंट क्वेश्चन है कितनी बार टाइम आउट ले सकते हैं वॉलीबॉल में वन टीम कैन टेक हाउ मेनी टाइम आउट सो द राइट आंसर इज मैक्सिम टू टाइम आउट पर गेम फॉर अ पर्टिकुलर टीम इज अलाउड लास्ट फॉर हाउ मेडिया ले सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन जलिया वाला बाग मैस्र आकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है ट्रस्ट मे ऑन दिस में तो मैक्सिम रिपीट क्वेश्चन है ये जो वाला बाग टाइमिंग आपको बताना है कब हुआ था इस ठीक yes. है यस इजी है आंसर करना द राइट ऑप्शन इज 13th अप्रैल 1919 इसमें आपको पता है वाला बाग मास्कर जिसे हम अमृतसर मास्कर के भी नाम से जानते हैं जो थर्टीन अप्रैल 1919 में हुआ था जहाँ पे नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स आए हुए थे बैसाखी का मौका था एंड uh, वाला बाग अमृतसर में है वहाँ पे इकट्ठा हुए थे एंड उस टाइम पे जनरल uh, डायर हुआ करते थे रेगिनाल डायर मैं कहूँगी कर्नल रेगिनाल डायर उस टाइम इंडियन आर्मी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर थे एंड उन्होंने uh, फायर करवा दिया था अपने ट्रप से इन नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर सो वन ऑफ द यू नो बिगेस्ट एंड सैडेस्ट इवेंट दैट हाज़ एवर हैपन इन द इंडियन हिस्ट्री जहाँ पर बेगुना लोग काफी हद तक मारे गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आर ओ वी आर ओ वी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल रिजिडली ऑर्गेनाइज वेंटिलेशन रिमोट ऑरिफिस वैक्यूम या रिफिल्ड ऑक्सीजन वेल व्हाट इज द राइट आंसर यस सो हियर द राइट आंसर इज ए

पहले क्या बोलते थे डेली सल्तनत के टाइम पे यस ऑप्शंस ममलोक मसाहत एंड सो हियर द राइट ऑप्शन इज मसाहत ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड एक टर्म होता था जो मेजरमेंट ऑफ लैंड को डिस्क्राइब करता था जिसका नाम है मसाहत आज की डेट में हम इसको सेंटीमीटर्स uh, या हेक्टर्स में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीगा इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री रीगा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वेन सच क्वेश्चन कम क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस एंशंट हिस्ट्री में रही होगी तो ये क्वेश्चन हमें लगता है कि कैपिटल्स एंड कंट्रीज से आते हैं बट इनकी अपनी एंशंट हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस रही होगी सो रेगा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ रेगा द राइट आंसर इज लातविया एंड ये जो है रेगा इज़ अ कैपिटल सिटी एंड इंडिपेंडेंस इसमें डिक्लेयर हुई थी ऑन एटीन नवंबर नाइनटीन को ये जो है ये फ्री हुआ था कंट्री फ्रीडम डिक्लेयर हुई थी वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे रेगा एंड लातविया शिफ्टड देयर फोकस फ्राम रशियन टू द वेस्टर्न यूरोप ठीक है तो ये वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर इन कंट्रीज की इंपॉर्टेंस थी ये हिस्ट्री में आए थे इसलिए इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है ब्रह्म समाज का फाउंडर आपसे पूछा गया है सो योर द राइट आंसर इज बी राजा राम मोहन रॉय इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज ऑन कैलकता ट्वेंटी ऑगस्ट 1828 ट्वेंटी एट एंड राजा राम मोहन रॉय के बारे में अगर मैं बात करूँ सो रिफॉर्मिस्ट थे एंड हिंदुज़म के काफ़ी मूवमेंट चलाते थे ये विच फर्दर ग डिवाइडेड इनटू आदि ब्रह्म समाज एंड साधारण ब्रह्म समाज ठीक है तो ये दो मूवमेंट्स फर्दर डिवाइड हो गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इंदिरा पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है सो इंदिरा पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूं जब तक आप लोग अपने आंसर्स गेस कर रहे हो इट इज़ द लास्ट और सर्दन मोस्ट लास्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। इसके आगे इंडियन टेरिटरी नहीं है सो साउथ का सबसे लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगी इस इंदिरा पॉइंट विच इज़ लोकेटेड इन अंदमान निकोबार आइलेंस ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जाक्सा इज एन एरोस्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री सो so, नाम से ही पता चल जा रहा होगा जाक्सा इट द राइट ऑप्शन ह्योर इज आप कमेंट कर सकते हैं आई एम वेटिंग जाक्सा एनी आइडियाज जापान इज द राइट आंसर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी फुल फॉर्म भी आप जान सकते हैं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापानीज नेशनल एरोस्पेस एजेंसी है ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ ए डी बी ए का फुल फॉर्म आपको बताना है ठीक है अगेन ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है तो अब आप देखिए आपको कहाँ पे फोकस करना अपने स्टैटिक जीके को ए डी बी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैं बताऊं इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन 1966, and the bank is engaged in promoting economic and social progress of its developing member countries. Okay? So, next question: which of the following vitamin is responsible for blood clotting? Blood cl clotting ke kaun sa, uh, vitamin jo hai, wo responsible hai? So, here the right option is vitamin K, which is responsible for uh, blood clotting. And uh, last question for this uh, segment टू is which of these is the oldest Vedas ओल्डेस्ट वेदाज आपको बताना है इसमें oldest Veda आपको बताना है ठीक है तो काफी आसान है और जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें आइडिया होगा ऋग्वेदा इज द राइट आंसर ऋग्वेदा आपका वन ऑफ द ओलडेस्ट वेदाज है जो अराउंड 1900 से 1100 हंड्रेड बी

मूव ऑन ठीक है नेक्स्ट विल बी मूविंग टू द वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आउट्स इन वॉलीबॉल टीम दैट कैन बी टेकन अप सो ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन right जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं मैक्सिमम टू नंबर हम ले सकते हैं और uh, एक टीम एक टीम के लिए थर्टी सेकेंड्स का होता है तो दो बार हम ये टाइम आउट ले सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज रेड क्लिफ लाइन अब ये इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन है रेड क्लिफ लाइन का आपको यहां पे बताना है राइट right आंसर क्या होगा यस yes, आपके सामने ऑप्शन है आप लोग कमेंट कर सकते हैं बहुत फेमस है तो आप अपने आंसर्स जो है बताना शुरू कर दीजिए यस आई एम वेटिंग आपके पास टाइम है राइट आंसर इज ऑप्शन ए बाउंड्री डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज रेडक्लिफ लाइन और इसका जो नाम है वो पढ़ा था सर साइरल uh, राडक्लिफ जो ज्वाइंट चेयरमैन थे और बाउंड्री uh, के कमीशन के टाइम पे इन्होंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इक्वली डिवाइड करने के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पॉस्थमस रेसिपियंट ऑफ भारत रत्न अगेन ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है सो हियर लाल बहादुर शास्त्री इज द राइट आंसर इन विच इयर गोवा वॉज टेकन बाय इंडिया अगेन रिपीटेड क्वेश्चन आप देखिए कि इफ कैट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेकेंड शिफ्ट में सो हियर द राइट ऑप्शन इज दिसंबर नाइनटीन सिक्सटी वन वी सो फार है फुटबॉल वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस हुक पास अगेन द टर्मिनोलॉजी दैट इज डीलिंग विद बास्केटबॉल संस्कृत बुक के नाट्य शास्त्र भारता मुनि एंड जलियावाला बाग थर्टीन अप्रैल मैस्क्रैल सो ये सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं मेजरमेंट टर्म यूज फॉर डेली सल्तनत पीरियड सो इट इज मसाहत एंड रीगा का कैपिटल अगेन लताविया फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज हु ऑज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज इट्स राजा राम Mohan Roy, ठीक है Indra Point, it's your uh, Andaman and Nicobar Islands. देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में दिया जाता है एंड देन जाक्सा हमने डील करा जापान की एरोस्पेस एजेंसी है एशियन बैंक का मेंबर इंडिया कब बना लास्ट टाइम में टर्मिनोलॉजी पूछी गई थी फर्स्ट पेपर में कि ए डी बी का फुल फॉर्म पूछा गया था यहाँ पे हमसे पूछ लिया गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया का कब जो है इंडिया इसका मेंबर बना तो हियर द राइट ऑप्शन इज 1966 हमने डिस्कस किया था देन विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कॉटिंग विटामिन के एंड ब्लैक एक्ट न्यू क्वेश्चन ब्लैक एक्ट क्या होता है ब्लैक एक्ट किसे जाना जाता है कौन से रूल को जाना जाता है तो आप आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे अपने आंसर्स को ब्लैक एक्ट के बारे में बताइए सो द राइट आंसर इज आंसर डी रावल एक्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तेसियो इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वॉट तेसियो किसे मेजर करने के लिए होता है इंस्ट्रूमेंट एनी आइडियाज एनी गेसेस So it is intensity. Okay. Next question. Which island is located between Russia and Japan? Russia and Japan ke beach mein, konsa island jo hai, wo present hai. So it is, right answer, Kuril Island. Okay. Next question. Double fault is related to which of the following spades? Double fault. डबल फॉल्ट आपको पता है इट इज रिलेटेड टू टेनिस नेक्स्ट क्वेश्चन लोना इज द टर्म एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स लोना टर्म सो इट इज कबड्डी कबड्डी से एसोसिएटेड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल ऑफ एस्टोनिया एस्टोनिया की कैपिटल बतानी है अगेन इसका जो सिग्निफिकेंस है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम से आया है इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठीक है ऐसे ही किसी के भी कैपिटल्स नहीं पूछ ली जाती कभी कभी हमें ये डिफिकल्ट लग सकता है सो हियर द राइट ऑप्शन इज इजेन इज द राइट आंसर इज द कैपिटल ऑफ द इंडिपेंडेंट एस्टोनिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉर वॉज फॉट बिटवीन शेर शाह एंड हुमायून इन फिफ्टीन फोर्टी एडी कौन सी बैटल थी जो शेर शाह एन हुमायून के बीच में लड़ी गई थी So it was in 1540 AD, and the name of battle is Battle of Kannauj. D is the right option. Battle of Kannauj, which is Sher Shah and ke beech mein, Ladi gaiti. Next question: Woman who first won the medal Olympic in India? Hai, very easy question. First woman to get the word medal. यस yes, कमेंट कर सकते हैं आप लोग इज कर्नमलेश्वरी वेट लिफ्टिंग में 69 नाइन के जी की कैटेगरी में इन्हें मेडल मिला था ओलंपिक में फर्स्ट वुमेन टू ग्राप द मेडल इन ओलंपिक। इंडियन वुमेन नेक्स्ट ऑथर ऑफ बुक अंडरग्राउंड बुक्स एंड ऑथर रिलेटेड क्वेश्चन अंडरग्राउंड बुक के ऑथर का नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है so the right option here is colson whitehead american novelist hai, and on a novels like just by a cap underground b all right next we proceed towards the next section yes so again um, 2018 first shift question

So Indian National Congress was founded on 28th December 1885, one of the oldest political parties in the Indian history. And uh, the party was formed by the members of elite classes. Hai? Prominent member is the party ke Dada Bhai Naroji and Dinsha Vacha. Hai? Next question. टर्म यूज फॉर प्लेयर ऑफ अ गेम आइडेंटिफाई द गेम टर्म आपको दे दिया गया है कौन से स्पोर्ट्स में यह टर्म यूज होता है आपकेट आप कर सकते हैं आप लोग अपने आंसर को और उसके बाद में आपको बताऊंगी वॉट इज द राइट आंसर शॉर्ट ऑफ गुड प्रैक्टिस जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को लास्ट मोमेंट पे डिस्कस करते हैं यहाँ से आपको और आइडिया क्लियर हो जाता है कि स्मार्ट स्टडी किस तरह से आपको करनी है वॉट एग्जैक्टली रीड तो द राइट आंसर हियर इज बॉक्सिंग इज द राइट आंसर इट्स अ फैंसी वर्ड फॉर बॉक्सर विच इज़ इंडल्ज इन नोबल आर्ट पुलजिज्म या फाइटिंग विथ वन अनदर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थेयम इज अ ट्रेडिशन ऑफ विथ स्टेट नाम से ही थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा बट देखिए यहाँ पे सारे नाम साउथ के हैं तो अब आप कहाँ पे आइडिया लगाएंगे आंटिल आपको पता नहीं होगा कि है क्या थेयम क्या होता है ठीक है सो एनी केसेस जो साउथ इंडियंस होंगे वो इजीली इस चीज़ को आंसर कर पाएंगे सो थेयम इज बेसिकली फॉर केरला इट्स अ फेमस रिचुअल आर्ट जो नॉर्थ केरला में ओरिजिनेट हुआ था ठीक है इट इनकम्पासज योर माइम म्यूजिक एंड डांस ठीक है एंशियन ट्राइबल कम्युनिटी का था एंड इट हैज़ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिचुअल आर्ट फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी हर्डल्स आर देयर इन फोर हंड्रेड मीटर रेस कभी सोचा नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है सो so, 400 मीटर की जो रेस होती है उसमें कितने हर्डल्स लगाए जाते हैं लाइक like, जंप कितनी बार करना होता है कितने हर्डल्स होते हैं यस यू कैन गेस द आंसर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा उन्हें भी एक आइडिया होगा कि कितने हर्डल्स होते हैं सो so, आपके 400 मीटर के रेस पे चार मीटर के ट्रैक पे टेन हर्डल्स इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच टू ईयर वेर एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया दो ईयर आपको बताने जिसमें एशियन गेम्स इंडिया में हेल्ड हुए थे वो राइट right ईयर कौन से हैं ठीक है सो द राइट आंसर ईयर इज नाइनटीन फिफ्टी वन एंड नाइनटीन एटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन हु वन द फोर बैक टू बैक टाइटल्स इन बैडमिंटन बैक टू बैक टाइटल्स बैडमिंटन में किससे मिले थे ऑप्शन आपके सामने हैं राइटन इज के श्रीकांत किदम्बी श्रीकांत नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज मॉडर्न ओलंपिक स्टार्टेड मॉडर्न ओलंपिक कब शुरू हुआ था इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एफकैट में पूछे गए हैं एंड दे सीम टू बी डिफिकल्ट बट स्टार्टिंग जी की अगर आपने पढ़ा है तो वेरी इजिली यू कैन आंसर Modern Olympics started way long back on 6th April 1896. Okay, next question. How many countries are there in Asia? Asia, my total kidney countries. Hain? Comment, come on, answer. So here the right option is option D 48 so Asia is subdivided into 48 countries, three of them namely Russia, Kazakhstan Turkey having their part of land in Europe Asia ke mein batau, diverse climate, diverse geographic features hai? Next what is the name of the first artificial satellite launched by USA USA key artificial satellite? any idea yes comment so usa ki jo first artificial satellite hai, that was explorer 1 which was launched into the earth orbit by army on 31st january 1958 next question how many states does tropic of cancer pass through tropic of cancer kitney states kit pass karta hai? what would be the right option 6789 जिसकी ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग होगी वो बता देगा आराम से तो हियर द राइट ऑप्शन इज एट स्टेट्स द स्टेट्स आर राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा एंड मिजोरम ये आपके एट स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास ऑन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर ऑफ बुक इंडिया डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड के ऑथर आपको यहाँ पे बताने हैं कौन थे इसके ऑथर सो यू नीड टू टेल द नेम ऑफ द ऑथर की किसने बुक uh, लिखी है इंडिया डिवाइडेड ठीक है राइट ऑप्शन वुड बी राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने बुक लिखी थी इंडिया डिवाइडेड नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड इज मेजर्ड स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस सो जो विंड को मेजर करता है उस डिवाइस का आपको नाम यहाँ पे बताना है वेरी इजी टू आंसर यस इज द राइट आंसर अनिमोमीटर इज द टूल और डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन मेड द नेशनल रिकॉर्ड इन लॉन्ग जंप लॉन्ग जंप में इंडियन नेशनल का रिकॉर्ड तो आपके पास ये ऑप्शन है एनी गेसेस द राइट ऑप्शन इज ए अंकित शर्मा, शर्माज बोर्न ऑन ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन नाइनटी टू एंड हीज़ एन इंडियन एथलीट हू कम्पलीट्स द लॉन्ग जम्प इवेंट इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो भी मैं आपको बता दू जैसे लास्ट टाइम स्पेसिफिक पूछा गया था सो एट पॉइंट नाइनटीन मीटर्स जो है जून टू थाउजेंड टेन सिक्सटीन में इन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है बनाया था लॉन्ग जम्प में एट कजाकिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज नाटो हेड हेडक्वाटर्स लोकेटेड नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है येस आप लोग अपने आंसर्स कमेंट करिए फटाफट से जल्दी जल्दी नाटो का हेडक्वार्टर इट इज लोकेटेड इन ब्रूजल्स बेल्जियम नेक्स्ट क्वेश्चन ताशकंद एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय ये बाय्रीमेंट था विच वॉज साइंड बाय होम ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बताऊ सो ये जनवरी टेन नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में था एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया था विथ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ठीक है ताशकत अग्रीमेंट तो उस टाइम पे जो इंडियन एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आयुब खान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री नेक्स्ट हैज रिटन द फेमस बुक पंचतंत्र पंचतंत्र किसने लिखी थी वेरी फेमस बुक सो पंचतंत्र इज रिटन बाय वैष्णो शर्मा He is an Indian scholar and author that has believed to be written the Panchtantra collection of fables. We have a favourite So Vishnu Sharma has written Panchtantra. Next, Ruder Cup is associated to which sport? Actually, it's Ryder Cup. So Ryder Cup is associated to which sport? So talking about Ryder Cups. It is a biennial competition between teams from Europe and United States and this is basically named after and businessman Samuel Ryder who donated his trophy. Donated. Okay? So next question, Salal project is on the river. Now you that Salal dam, Salal project, it is on which river, uh, yes you can comment your answers. सो सलाल प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ इट्स एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो रिवर को पावर सप्लाई करता है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड करेंटली अबाउट सलाल प्रोजेक्ट ये सलाल डैम जो है ये आपका चिन्नाब रिवर के ऊपर सिचुएटेड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री स्टैब्लिश इन इंडिया फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री कौन से सिटी में स्टैब्लिश हुई थी ऑल राइट सो For, आप आंसर्स बताइए तब तक मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि जब शिप्स uh, होते थे तो जो शिप्स अराइव करते थे एक्चुअली इंडिया में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे तो वो सूरत के डॉक पे आया करते थे और उस टाइम पे एक ट्रेड uh, एक पॉइंट स्टैब्लिश कर दिया गया था ट्रेड का दैट वॉज अराउंड इन सिक्सटीन के आसपास इसे स्टैब्लिश कर दिया गया था ठीक है सिक्सटीन के पास नाउ नेक्स्ट टू ईयर्स में कंपनी ने अपनी पहली स्टैब्लिश uh, कर दी फैक्ट्री को उसी एरिया के आसपास सूरत के आसपास और वो जो एरिया था वो एक्चुअली कोरामंडल कोस्ट बे ऑफ बंगाल के आ, पास उन्होंने किया था आ, अगली फैक्ट्री जो अगला शिपमेंट उन्होंने सोचा कि वो कहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे सो सूरत पे तो वो ऑलरेडी ट्रेड करते थे बट उसके अलावा मछलीपट्टनम बी इज़ द राइट ऑप्शन जो आपका कोरोमंडल ईस्ट बे ऑफ बंगाल में है वहाँ के आसपास उन्होंने इस फर्स्ट फैक्ट्री को अपना इस्टैब्लिश किया क्योंकि आपको पता है कि बंगाल जो था वो पहले कैपिटल ऑफ द कंट्री माना जाता था तो वहीं पर उन्होंने इस फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज द फ़ीफा वर्ल्ड कप हेल्ड फीफा वर्ल्ड कप कौन से ईयर में Uh, हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट ठीक है सो फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है ये एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल का एक एसोसिएशन है वेरी फेमस एंड ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था फर्स्ट टाइम इट वाज फ्रॉम थर्टीन टू थर्टी जुलाई इन दर नाइनटीन थर्टी ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर गुवाहाटी कौन से रिवर बैंक के ऊपर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था सो so बहुत सारे वॉइस गवर्नर जनरल आपको हुए हैं सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी के सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे जो गवर्नर जनरल था दैट वाज लॉर्ड डफरिन ठीक है लॉर्ड डफरिन के बारे में मैं बताऊं 1826 से ये 1902 तक थे एंड ये जो गवर्नर जनरल थे एंड ही वाज वॉजर ऑफ इंडिया आल्सो फ्रॉम 1884 टू 1888 एंड ही हैड सक्सीडेड लॉर्ड रायपन इन दिसंबर और उसके बाद ये गवर्नर जनरल बने थे एंड उस टाइम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था ऑथर ऑफ स्लीपिंग ऑफ Jupiter? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्लीपिंग जुपिटर का ऑथर आपसे पूछा गया है बुक्स so, एंड का जो सेशन है, उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया, अनुराधा रॉय नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड वन आउट यहाँ पे ऑड वन आउट पूछा गया है करंट अफेयर्स के फॉर्म में और स्टैटिक जीके फॉर्म में प्लासी सारनाथ हल्दी घाटी एंड पानीपत अब इसमें एक्सक्लूड क्या कर सकते हैं हम सो so, सारनाथ को एक्सक्लूड कर सकते हैं वाई बिकॉज एक्सेप्ट सारनाथ प्लासी हो गया हल्दीघाती हो गया या पानीपत हो गया ये सारे फेमस बैटल्स हैं ठीक है बट सारनाथ इज अ टूरिस्ट प्लेस टू विजिट बुद्धिस्ट प्लेस एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दीरीज टू थाउजेंड एटीन वुड बी नाइनटीन फिफ्टी फोर में विच फ्रेंच सेटलमेंट ज्वाइंट to India 1954 ki baat hai, which French settlement had joined India and where so here any suggestions any ideas aap log comment the right option is on 1st November 1954 mein 4 enclaves established with the French settlements in Pondicherry. ये चार पांडिचली जो कि यूनियन टेरिटरी है यहां पे सेटलमेंट्स आपके हुए थे ठीक है सो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द ईयर टू थाउजेंड एंड सेवेंटीन सो लेट इस प्रोसीड टूवर्ड्स द क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच वेयर इज लोथल अ प्रमिनेंट सिटी ऑफ द एंशंट इंदस वैली सिविलाइजेशन सो इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन स्पेशली एफ कैट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से आते हैं तो आप लोग इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल एक जगह है सिविलाइजेशन ये कहाँ पे एक्चुअली लोकेटेड है वो क्वेश्चन में पूछा गया है सो so, लोथल के बारे में बताओ इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंशंट सिटीज ऑफ इंडियस वैली सिविलाइजेशन एंड अभी मॉडर्न स्टेट में जो इसका डेवलपमेंट हुआ है ये पड़ती है अभी आपकी गुजरात में ठीक है सो गुजरात इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच of the following films won oscar in the best film category 2017 ticket okay, 2017 my best film oscar milai isle isko johe static -g -g aap kar sakte hai, because it's an oscar winning film in 2017 so moonlight is the right answer who, which won the oscar in 2017 film directed by barry jenkins

क्स्ट क्वेश्चन सत्याग्रह अगेन ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हुआ है बहुत सारे डिफेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आप लोग अपना आंसर फटाफट से बता सकते हैं एबीसीडी वॉट इज द राइट आंसर कहां से स्टार्ट हुआ था जो गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट था दैट इज चंपारण सत्याग्रह सो so, चंपारण आपने नाम सुना होगा चंपारण से स्टार्ट हुआ था ठीक है 1917 में ईयर भी आपको याद रखना चाहिए ऐसे फेमस मूवमेंट्स का 1917 में ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन हु वन द नोबेल प्राइज फॉर द नॉवेल ओल्ड मैन एंड द सी इस नॉवल को लिखने के लिए नोबेल प्राइज मिला So, इसके आपको ऑथर को डेफिनेटली यहाँ पे बताना है तो हियर द राइट आंसर इज अर्निस्ट हेमिंग वे ही वॉन्ट द नोबल प्लाइज इन लिटरेचर फॉर हिज नॉबल ओल्ड मैन एंड द सी नेक्स्ट क्वेश्चन ओल्ड नेम म्यनमार का ओल्ड नेम आपको पता है नेबरिंग कंट्री हमने इससे रिलेटेड एक पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है इसका हमने पहले जो करंट कैपिटल है उसका नाम देखा था अब यहाँ पे ओल्डर नेम पूछा गया है तो ओल्डर नेम आपको पता है म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है तो बर्मा इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अलादिन इज द कैरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स फेमस कैरेक्टर है अलादीन कौन से बुक का ए बी सी डी आपके सो अलादीन so, जो फेमस कैरेक्टर है दैट कम्स फ्रॉम वन थाउजेंड एंड वन अरेबियन नाइट इसका एक फेमस कैरेक्टर है अलादिन नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर पूछा गया आपसे कहां पे लोकेटेड है कौन से एरिया में तो हियर द राइट आंसर इज हेग विच इज इन नेदरलैंड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट राइट ऑप्शन वुड बी पेनाल्टी बॉक्सिन क्या है आपका एक पेनाल्टी बॉक्स है नेक्स्ट विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड वेरी फेमस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाना दर मरियाना ट्रेंच ठीक है जो आपका डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड ओशन में लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन अराउंड 200 हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ मरियाना आईलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑज द फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू डिक्लेय आउट इन टेस्ट क्रिकेट मैच बाय द थर्ड एम्पायर ठीक है सो थर्ड फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर डेस्ट क्रिकेट मैच बाई थर्ड एम्पायर पहला ऐसा क्रिकेटर कौन था आपको नाम बताना है सो हियो द राइट आंसर वुड बी द फर्स्ट बैट्समैन डिसमिस्ड बाय द थर्ड एम्पायर वॉज सचिन तेंदुलकर जो कि टेस्ट मैच में नाइनटीन नाइनटी टू में थर्ड एम्पायर के थ्रू इन्हें आउट दिया गया था ठीक है नेक्स्ट हु वॉज द फर्स्ट एन एस एफ इंडिया फर्स्ट एन एस ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपको बताना है पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के कौन थे कमौन आंसर ए बी सी डी सो जो आपके फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे दैट वाज ब्रजेश मिश्रा जो आपके सर्व किए थे 1998 से 2000 थाउजेंड एंड फोर तक ठीक है एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया नेक्स्ट सत्यजीत राय इज अ फेमस अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपको पता है सत्यजीत रॉय जो हैं ये 1921 ट्वेंटी वन टू नाइनटीन इनका जो टाइम पीरियड था वो था एंड ही इज अ फेमस फिल्म मेकर सत्यजीत राय के आपने काफी ज्यादा फिल्म्स देखी होंगी एंड बॉर्न इन टू कैलकटा एंड बंगाली ब्राह्मण फैमिली से ये बिलोंग करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन मंडल कमीशन वो स्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर मंडल कमीशन जो है ये किसने स्टैब्लिश किया था मंडल कमीशन बेसिकली आपको बता दूं ये स्टैब्लिश किया गया था जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं एजुकेशन जो रिजर्वेशन सिस्टम जिसको आज हम जानते हैं उसके लिए स्टैब्लिश किया गया था बाय वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया ताकि उनको इक्वली ट्रीट किया जा सके इक्वली उनको एजुकेशनल इंपॉर्टेंस मिल सके सो इसलिए मंडल कमीशन आपका स्टैब्लिश हुआ था एंड दिस वॉज स्टैब्लिश्ड बाय मोराजी देसाई यू नो टू आइडेंटिफाई द दोशली इकोनॉमिक क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन थलीटीज इज कॉल्ड हॉर्स यहाँ पे टर्म पूछ लिया गया हॉर्स सो हियर द राइट आंसर वुड बी एल्बर्टो जुआनाटोरा दिस इज द राइट आंसर ही इज अ फॉर्मर क्यूबन रेसर एंड इसी वजह से इन्हें द हॉर्स का टाइटल दिया गया था नेक्स्ट माइकल फेरिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स यहाँ पे टर्म अगेन पूछ लिया गया है तो आप देखिए स्पोर्ट्स टर्म से रिलेटेड जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन अब निकल के आ चुका है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने चाहिए सो अगेन माइकल फेरिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स तो यहाँ पे आपको बताना है ही इज ऑल्सो नोन एज बॉम्बे टाइगर के नाम से जाना जाता है एंड ही इज अ फेमस प्लेयर फॉर बिलबर्ड्स इंग्लिश बिलबर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड्लू एच ओ का हेडक्वार्टर पूछा गया है कि डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सो so, आपका डब्लू एच ओ का हेडक्वार्टर ये स्विट्जरलैंड जेनेविया में है एंड डब्ल्यू एच ओ के बारे में मैं बताऊँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस में जो मॉनिटर करती है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ अभी पैंडमिक के टाइम पे भी आपने WHO से काफी सारे न्यूज़ अलर्ट्स सेफ्टी मेजर्स सुने होंगे ठीक है नेक्स्ट हु वाज नेम्ड आइस क्रिकेटर फॉर द ईयर 2016 सिक्सटीन आइस क्रिकेटर जो टर्म टाइटल टैक्ट था 2016 सिक्सटीन में वो किसको दिया गया था सो रविंद्र चंद अश्विन को जो है ये टाइटल 2016 में दिया गया था आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016 में एंड ही हैज बिकम द थर्ड प्लेयर टू विन दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉन विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 में कौन सा स्टेट uh, जीता था विजय हजारे ट्रॉफी सो फिफ्टीन सीजन विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये आपका तमिलनाडु ने जीता था नेक्स्ट भारतनाट्यम क्लासिकल डांस फॉर्म है कौन से स्टेट का भारतनाट्यम के बारे में बताना है तो डांस फॉर्म्स भी आप देख सकते हैं अगेन जीके का टॉपिक है सो so, भरतनाट्यम आपको बता ये एक इंडियन क्लासिकल डांस है जो ट्रेडिशनली ओरिजिनेट हुआ है आपका तमिलनाडु से नेक्स्ट 2016 में चीफ कौन था तो ये तो उस टाइम पे है हम आज प्रेजेंट चीफ्स के बारे में भी बात कर लेते हैं प्रेजेंटली आपके आर के एस भदौरिया जो है वो प्रेजेंट चीफ हैं 2016 में आपके अरूप राहत जो प्रेडिसर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन थे चीफ नेक्स्ट इज केडो नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विथ स्टेट्स तो मैंने बोला था जैसे स्टार्टिक जी के मैं आपको कवर करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्कस बोटानिकल गार्डन जूट्स तो अभी नेशनल पार्क आ गए तो किोलाडो नेशनल पार्क जो है आ, इसे कियो लाडू घना पाक के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका भरतपुर राजस्थान में पड़ता है एंड इट्स अ फेमस एवीफोना सेंचुरी जो थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स को देखता है और यहाँ पे काफी ज्यादा माइग्रेशन होता है ठीक है माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं नेक्स्ट 2016 में नोबल प्रीस प्राइज का विनर कौन था 2016 में सो इट वाज जैन मैनुअल सैंतोस जिन्हें 2016 में जो है कोलंबियन पॉलिटिशियन एंड प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया थे उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज एफर्ट्स फॉर नेगोशिएटिंग पीस ट्रीटी विद फार्क नेक्स्ट ऑन विच रिवर बागलियर डैम इज बिल्ट बागलियर डैम कौन से रिवर पे बना हुआ है जल्दी जल्दी अपने आंसर्स डालिए सो बागलिया डैम अगेन बागलीगार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो आपका चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो अभी जे के में है नेक्स्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी जगह पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बता दूं तो जो इसकी प्रेसिडेंटशिप थी वो थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे आ, के साथ जो फर्स्ट मीटिंग इसकी हेल्ड हुई थी वो आपकी 1885 में हेल्ड हुई थी एंड प्लेस इज बॉम्बे ठीक है नेक्स्ट अब हम uh, 2000, uh, 18 के जो है वो सेकेंड शिफ्ट के 2017 के जो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ यूएसए यूएसए के ओल्ड नेम को यहाँ पे पूछा गया है तो आप जब फटा फटाफट बताइए कि यूएसए का पुराना नाम क्या है ठीक है जल्दी जल्दी आपके सामने आंसर्स हैं सो हेयर द राइट आंसर वुड बी यूनाइटेड कॉलोनीज यूनाइटेड कॉलोनीज ये जो है ये सेवनटीन सेवेंटी सिक्स में ये इस नाम से हम यू एस ए को जानते थे नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय अकबर अकबर के थ्रू कौन सा रिलीजन जो है वो फाउंड किया गया था अकबर ने एक रिलीजन फाउंड किया था उस रिलीजन का नाम हमें बताना है तो द राइट आंसर हेयर वुड भी अकबर जो मुगल एम्पर था In uh, 1582 AD around he founded a religion known as Dine Ilahi. ठीक है next who was the Indian army chief in October 2016 Indian uh, October 2016 में so it was Dalbir Singh who was serving as the Indian army chief उसके बाद वेपन रावत थे ठीक है and उसके बाद वेपन रावत सीरियस बने थे Who was the Indian Chief, Indian Navy Chief 2016, 2016 के Indian Navy Chief? फिर जैसे मैंने बोला कि आपको याद रखने, so Sunil Lamba, आपको नाम पता होने चाहिए, at least uh, एक से दो predecessors आपको पता होने चाहिए, कौन है? Next question, Yarlung Zangbo is the name of which river? ये इस नाम से कौन सी river जानी जाती है, India में? So this is Brahmaputra. जो कि ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो चाइना इंडिया बांग्लादेश में होती है और चाइनीज नाम इसका यारलो जांगबो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइएस्ट टावर इन द वर्ल्ड हाइएस्ट टावर आपको पता है भोज खलीफा ठीक है इसकी जो हाइट है वो 828 ट्वेंटी एट मीटर्स है नेक्स्ट हु वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी राजीव गांधी के बाद कौन इलेक्ट हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए सो so आपको पता है जो राजीव गांधी की डेथ हुई थी दैट वाज सम्बेर अराउंड 1991 में और उसके बाद जो सक्सीड किया था वो थे पीवी वी नरसिम्हा राव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिफीटेड पीवी सिंधु इन द फाइनल रियो ओलंपिक्स अब देखिए एफकेट में अक्सर ऐसा देखा गया है कि विनर का नाम ना पूछ के सामने वाले कंटेस्टेंट का नाम भी पूछा जाता है ठीक है तो इक्वली इंपॉर्टेंस इसकी होती है यानी जितने भी आप स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हो वहाँ पे आप ऐसा देख लें कि सामने प्लेयर कौन सा है यानी हम किसको डिफीट कर रहे हैं या किससे हारे हैं तो उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए सो so, यहाँ पे रियो ओलंपिक्स में जो पी सिंधु टू में हारी थी इट वॉज़ अ स्पैनिश बैडमिंटन प्लेयर कैरोलिना मैरिन हु डिफीटेड B.V. Sindhu. Okay? Next question. Largest diamond-producing country in the world. Diamond-producing country in the world. So, as we all know, Russia is the largest diamond-producing country in the world, which produces around forty-one point nine million carats of diamond every year. Next. In which South Korean city the Asian Games two thousand fourteen were concluded? Two thousand the Asian Games So it is. इन चीन ठीक है दिस इज द राइट आंसर जो कि साउथ कोरियन साउथ कोरिया में आपका प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका एशियन गेम्स कंक्लूड होते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ठीक है सो आफ्टर इंडिपेंडेंस बोल रही हूं मैं गवर्नर जनरल फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज लॉर्ड लॉर्ड uh, माउंट जो कि लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वॉज द स्कोर ऑफ दीपा करमाकर इन द फाइनल राउंड ऑफ रियो ओलंपिक्स अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक कभी कभी पूछ ले जाते हैं तो दीपा करमाकर का जो फाइनल स्कोर था ये मैं आपको बता दे रही हूं तो दिस वॉज अराउंडीन पॉइंट जीरो ओलंपिक्स वो आर्टिस्टिक विच ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है सो सलाल प्रोजेक्ट हम सबको पता है चिनाब रिवर के ऊपर है विच पोर्ट इन ईरान हैज बिन बिल्ट बाय इंडिया ईरान में एक पोर्ट जो इंडिया ने बनाया है उसका नाम आपको बताना है तो हम सब जानते हैं बहुत ही फेमस है पोर्ट नेक्स्ट विच पोर्ट इन पाकिस्तान हैज बिल्ड बाय चाइना बहुत ही ज्यादा इजी है ग्वादर पोर्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला क्लासिकल डांस केरला का आपको बताना है तो यूजुअली लोग भरतनाट्यम में कंफ्यूज हो जाते हैं तो दिस इज फॉर तमिलनाडु एंड मोहिनी अट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला

तो इंडियन शटलर साइना नेहवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज एथलीट्स कमीशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट तीर्थ करना ऑफ जैनिज्म आपको यहाँ पे उनका नाम बताना है तीर्थ करना बेसिकली सेवियर होते हैं स्पिरिचुअल टीचर होते हैं सो फर्स्ट तीर्थ करना जेनिज्म में इट वॉज रिशभ नाथा जो फर्स्ट तीर्थ करना थे जैनिज्म के फिर आपके महावीरा आए देन परशवनाथा एंड सांभवनाथा ट्वेंटी थर्ड तीर्थ करना ऑफ जैनिज्म यहाँ पे पूछा गया है सो ट्वेंटी थर्ड वॉज परशवनाथा नेक्स्ट हु रोट द एपिक पोएम पद्मावत पद्मावत पोएम जो है वो किसने लिखी थी सो पद्मावत इज एन एपिक पोएम जो अराउंड 1540 फोर्टी सीई में लिखी गई थी बाय Malik Muhammad Jayasi. who was the first Governor General of India, first Governor General India ke. so it was Warren hassing who ki aapke present uh, Governor General the, first Governor General of India. Next, which is the oldest active volcano in the world? Oldest and active volcano in the world so it is mount etna which is the oldest and active volcano in the world located in italy Okay? it hame mount kilimanjaro like that but it is not the oldest one which of the following is not an inert gas they science se aise question at application based inert gas so right answer is hydrogen is the lightest reactive gas

साइड uh, में पड़ता है और क्रूड ऑयल यहाँ पे सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था और तब से ये जो रिफाइनरी है ये चल रही है नेक्स्ट क्वेश्चन ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार आप देखिए क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है ठीक है तो ऐसा नहीं कि कैट में रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार इज बर्मा अलादन फेमस कैरेक्टर अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड तो द बुक नेम इज द अरेबियन नाइट्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड इन है पेनाल्टी बॉक्स डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड इज मरिया ट्रेंच जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर डिक्लेयर टेस्ट मैच बाय थर्ड एम्पायर सचिन तेंदुलकर हमने वो डिस्कस कर लिया था फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वॉज ब्रिजेश मिश्रा एंड सत्यजीत राय इज अ फेमस फिल्म मेकर तो ये जो सेकंड शिफ्ट में आपने देखा क्वेश्चन यहाँ पे काफी ज्यादा रिपीट हुआ है मंडल कमिशन आपका मोराजी दिसाई एंड क्यूबन एथलीट इज अल्बार्टो जोनाट्रा ठीक है इसीलिए इनको द हॉर्स का टाइटल दिया गया था अब आ जाते हैं हम 2016 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए और क्योंकि हम सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं तो दिस कैन बी सॉर्ट ऑफ रिवीजन आल्सो और आपको पता है कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आगे बुक्स एंड ऑथर रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपको यहाँ पे बताना द बुक ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट ऑफ द कॉरिडोर टू पावर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है ठीक है ये आपको बताना है सो इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ शरद पवार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉप ट्वेंटी वन ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड इन नवंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन एट विच प्लेस कॉप ट्वेंटी वन का प्लेस कहां था कॉप ट्वेंटी फर्स्ट जो है वो आपका पेरिस में कंडक्ट हुआ था नेक्स्ट आर्टिफिशियल रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय सीडिंग क्लाउड्स विद आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करने के लिए क्लाउड्स में किसकी सीडिंग देनी चाहिए सो आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग क्या है क्लाउड सीडिंग इज अ फॉर्म ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन जिसका एम होता है कि प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो जाए जिसे आर्टिफिशियल रेन कहते हैं और मोस्ट कॉमन जो केमिकल इसमें यूज होता है दैट इज सिल्वर आयोडाइड जिसे हम सीड आउट करते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून कौन से पार्ट को रिट्रीटिंग मानसून से जो है रेनफॉल मिलती है सो इट इज बी तमिलनाडु कोस्ट जिसे रिट्रीटिंग मॉनसून जब नॉर्थ ईस्ट अक्रॉस बे ऑफ बंगाल जाते हैं सो इट पिक्स अप सम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड इसकी वजह से जो है अक्टूबर टू दिसंबर तमिलनाडु में रेनफॉल रिसीव होती है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन जनवरी जनवरी ठीक है तो ये थाउजेंड 2016 की बात हो रही है दिस ईयर मीन 2016 में सो द राइट आंसर इज संजीव कोशी संजीव कोशी एक डेंटिस्ट थे मेलबर्न के जिन्हें ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट अवार्ड जो है सिविलियन अवार्ड ये रिसीव हुआ था सिक्सटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंगज अवारेड इंडियाज हाइएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड टू अशोक चक्र पॉस्टमसली सो द राइट आंसर इज यहां पे किसे दिया था ए लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम ठीक है उन्होंने ये अवार्ड जो है लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को दिया था नेक्स्ट पूछी गई है आपसे कंडीशन अलग अलग दी गई हैं आपको राइट right कंडीशन को चूज आउट करना है सो हियोर बी एक्सप्लेन्स द राइट पोजिशन सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण द पोजिशन ऑफ मून बिटवीन सन एंड अर्थ ऑन अ न्यू मून ठीक है अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए थे फर्स्ट वाला भी सिमिलर है बट ऑन अ न्यू मून यहां पे ऐड किया गया है सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट इसलिए हम सेकेंड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 2015 में किसे दिया गया था सो इट वाज एजुकेशनलिस्ट मदन मोहन मालवीय जिन्हें यह अवार्ड दिया गया था नेक्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो इंडिया में डेवलप हुई थी उसे क्या कहा जाता है सो so, उसे कहते हैं आई आर एन एस एस दैट मीन्स इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम जिसका ऑपरेशनल नेम नवैक है ठीक है तो ये आपको फुल फॉर्म्स भी ध्यान रखना है यहाँ पे बाजीराव वॉज अपॉइंटेड एज पेशवा एट द एज ऑफ ट्वेंटी ईयर्स अंडर द रीन ऑफ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री सो द राइट आंसर इज छत्रपति साहू

नार बट उसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि कुतुब्दीन आइबक ने कुछ और भी बनवाया था तो उसका नाम पूछा गया है तो हियर अ फेमस मॉस्क अट अजमोर इज बिल्ड बाय कुन आइबक नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन रूलर हु ब्रिटिश इन देर अर्ली एज ऑफ रूल इन इंडिया वॉज तो यहाँ पे आपको अब बताना है द राइट आंसर हियर इज कमेंट कमेंट करिए करिए जल्दी राइट आंसर इज हैदर अली सी हुआ ये था कि फर्स्ट एंग्लो माइसूर वॉर थी इसमें ब्रिटिश इन द सेकेंड एंग्लो माइसूर वॉर नेक्स्ट हु जुडिशियल कमिटी ऑफ वन रैंक वन पेंशन स्कीम इसका हेड कौन था सो इट वॉज जस्टिस रिटायर्ड एल नरसिम्हा रेडी द मैस्केट ऑफ साउथ एशियन गेम्स टू थाउजेंड सिक्सटीन में जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे उसका मैस्ट हर गेम का मैस्केट होता है तो टू थाउजेंड सिक्सटीन में मैस्किट कौन था मास्किट था तिखोर तिखोर इज द बेबी इंडियन राइनो ठीक है जो टू थाउजेंड सिक्सटीन के गेम्स में मैस्किट था नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग शूटर्स क्लिंज फिफ्टी मीटर गोल्ड in ISS World Cup in 2016 so here the right answer would be Jeetu विच कंट्री विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2018 तो यहाँ पे आपके लिए पास्ट का क्वेश्चन हो जाएगा तो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे आपको ये पता होना चाहिए 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो आपके क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुए थे ठीक है तो ये आपका पास्ट का क्वेश्चन हो चुका है नेक्स्ट लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स हैव बीन फाउंड अलोंग सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हड़प्पन साइट्स जो मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं सो so इट इज घाघर हाकड़ा ठीक है यहाँ पे लोकेटेड है मैक्सिमम आपके मैक्सिमम कंसंट्रेशन में हरपन साइट्स हैवी वाटर इज कॉल्ड हैवी बिकॉज हैवी वाटर को हम हैवी क्यों बोलते हैं आपके सामने ऑप्शंस हैं कम ऑन आंसर करिए साइंस स्टूडेंट्स देखिए हैवी वाटर को हम हैवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ड्यूटरम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है जो एक हैवियर आइसोटोप है हाइड्रोजन का ठीक है तो हियर द राइट आंसर वुड बी कि हैवीयर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इसीलिए हम को हैवी वाटर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स इज मोस्ट कंड्यूसिव फॉर कॉटन कॉटन ग्रो करने के लिए बेस्ट सोइल जो है वो आपको पता है वो ब्लैक सोइल होता है एंड इट इज आल्सो नोन एज रेगर सोइल इसका सेकंड नेम है ठीक है नेक्स्ट इंडिया हैज इन द डील विद फ्रांस टू acquire fighter क्राफ्ट jets राफेल ये 2016 में डील की बात हो रही थी इसके अलावा पहले राफेल के अलावा पुराने फाइटर जेट्स जो इंडियन एयरफोर्स ने फ्रेंच से लिए हैं उसमें देखिए आपको ऑप्शंस बताने की कौन से लिए थे तो द राइट आंसर वुड बी योर बी मिराज 2000 Next question: Resolution of Poon Swaraj was passed on 26 January 1930 at which place? So, resolution of Poon Swaraj was passed in Lahore in 1930. Okay, after uh, after the declaration of independence of India, 26 January 1930. Mein. नेक्स्ट दीपिका पादुकोन रिसीव फिल्मेयर अवार्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन बेस्ट एक्ट्रेस फॉर विच पर्टिकुलर मूवी सो इट वॉज पीकू के लिए उन्हें जो है 2016 में अवार्ड मिला था नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात इज इन गुजरात की लार्जेस्ट ऑयल फील्ड आपको बतानी है द राइट आंसर इज अंकलेश्वर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आर इंश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट आंसर इज पार्ट थ्री इसमें आपके सारे फंडामेंटल राइट जो है वो प्रेजेंट है अब नेक्स्ट हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं 2016 के ही सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को तो अब आप यहाँ पे बता सकते हैं बुक अ चाइना पैसेज वॉज रिटन बाय ऑथर का नाम यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है आपके सामने ऑप्शन है कमेंट करिए फटाफट से द राइट आंसर हियर वुड बी डी जॉन केन्नाथ गलब्रेथ नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल फाइव हंड्रेड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन विच पर्टिकुलर फील्ड ग्लोबल 500 हंड्रेड अवार्ड्स किस फील्ड में दिए जाते हैं सो ग्लोबल 500 हंड्रेड अवार्ड जो है ये इन्वायरमेंटल फोरम फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कैटेगरी में दिए जाते हैं सो दिस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्ज प्राइज इज अवारेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन विच फील्ड तो अक्सर इस अवार्ड को लेके काफी कंफ्यूजन होता है कि कौन से फील्ड में इस अवार्ड को दिया जाता है सो इट इज फॉर द अचीवमेंट ऑफ जर्नलिज्म आंसर वुड बी C. Literature and Journalism. Next question. National emblem with four lions standing back to back is an adaptation from which of the following? तो जो national emblem लिया गया है, वो exactly कहाँ से लिया गया है? जो चार lions एक साथ back to back खड़े हैं, so आप जिन लोगों ने Saranath visit किया होगा, उन्हें पता होगा कि Saranath से ये जो है, इस adaptation को लिया गया है. Next, which of the following book is written by Arnold Toynbee? अब देखिए, ऐसे question books and authors से आ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन से बुक्स एंड ऑथर्स हैं ठीक है तो इसके लिए आपको बुक्स एंड ऑथर्स का भी सेक्शन कवर करना चाहिए यहां पे मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ टू मेक इट इजियर राइट आंसर इज मैनकंड एंड द मदर अर्थ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेट्रोलियम वैक्स इसमें से पेट्रोलियम वैक्स क्या है सो पेट्रोलियम वैक्स बेसिकली ये ऑप्टेन uh, होता है बाय डी वैक्सिंग लाइट ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल स्टॉक्स जिसे हम कैंडल्स वैक्स पेपर या पॉलिश या किसी भी कॉस्मेटिक्स में यूज कर लेते हैं ठीक है सो द राइट ऑप्शन वुड बी पैराफिन वैक्स नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारतीय जनपथ अवार्ड जननीपत अवार्ड ठीक है अब इसमें से कौन रेसिपिएंट नहीं है हमें ये बताना है सो एम एफ हुसैन जो है वो इसके रेसिपिएंट नहीं है एम एफ हुसैन आपको पता famous painter है फेमस पेंटर है which city will host 2022 commonwealth games 2010 22 commonwealth games kahan par honge now this is something which can come into the examination so it is durban south africa jahan 2022 commonwealth games honge who was the person behind conversion of east india company from a trading company into a regional power so Kantha, who was the person behind so it was lord cleve who actually converted east india company into regional power after winning the battle of plassey नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन फोर्थ फेबररी फोर्थ फेबररी को कौन अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है सो इट इज़ श्रीलंका एक तो हमारी नेबरिंग कंट्री इसलिए हमें पता होना चाहिए सो श्रीलंका इज द कंट्री जो फोर्थ फेबररी को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है वो किससे डिस्कवर होती है नरी नेक्स्ट द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरोनि टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन की बात हो रही है की टू थाउजेंड फिफ्टीन में जो प्रेजेंट चेयरमैन इसरो के थे ठीक है सो उस टाइम का मैं आपको आंसर बता देती हूँ सो so, उस टाइम द राइट आंसर इज ऑलर सलीन किरण नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द वाइस राय साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया सो साइमन के टाइम पे वाइस राय कौन था द राइट ऑप्शन कमीशन जो था वो स्टैब्लिश हुआ था अंडर द वाइस प्रेसिडेंट और उस टाइम लॉर्ड एरविन वाइस राय ऑफ इंडिया नेक्स्ट महात्मा गांधी लेफ्ट साउथ एफ्रीका टू रिटर्न टू इंडिया इन विच ईयर ईयर यहाँ पे पूछा गया पर्टिकुलरली सो इट वॉज नाइनटीन सेवनटीन बैटल ऑफ प्लासी का ईयर पूछा गया है यहाँ से आपको तो बैटल ऑफ प्लासी का इयर इट इज फेमस बैटल ऑफ प्लासी ट्वेंटी थर्ड जून इज द राइट आंसर नेक्स्ट मंगलयान मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम वॉज लॉन्च इन कब लॉन्च हुआ था सो इट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड थर्टीन बाय इसरो रर ऑफ इंडिया नोन फॉर इट्स रिच कोल्ड डिपोजिट इज द स्टेट ऑफ डिपॉजिट रर ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है सो इट इज झारखंड विच इज द राइट आंसर इंडियन स्पेस प्रोग्राम बिगेन इन चलिए कमेंट करिए जल्दी जल्दी इंडियन स्पेस प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ था 1962 में बचपन बचाओ आंदोलन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ चाइल्ड ये किसने फाउंड किया था इसका फाउंडर कौन था सो so, कैलाश सत्यार्थी is the founder of Bachpan Batao Andolan organization. Next is the language of discourses of Gautam Buddha was. The right answer here is comment करिए. It is Pali is the right answer. ठीक है? Next अब आते हैं 2015 के sessions पे एक एक करके discuss करते हैं 2015 में जो पहला क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि तोदरमल अकबर के कोर्ट में जो एसोसिएटेड थे ही वाज व्हाट ही वाज एसोसिएटेड इन द दरबार एज व्हाट आपको अपने आंसर्स बताने हैं आप so, सो राजा तोदरमल जो है अकबर के दरबार में ही वाज एसोसिएटेड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर नेक्स्ट महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आए देखिए 2016 में भी प्रेजेंट था और 15 में भी है सो इट वाज 1917 ऑफ इंडिया इंडिया साइमन कमीशन विजिटेड अगेन ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं सो इट इज लॉर्ड लॉर्डरविन थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन इज सो नीति आयोग आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग बना दिया था पीएम नरेंद्र मोदी ने रिप्लेस किया था इसको प्लानिंग कमीशन से नेक्स्ट क्वेश्चन इनोवेटिव काउंसिल प्रपोज द रेल बजट टू थाउजेंड फिफ्टीन टू प्रो प्रमोट इनोवेशन फॉर वॉट क्या नाम रखा गया था उसका तो नेम इनोवेटिव काउंसिल ने इंडियन को फॉर इनोवेशन ऑफ़ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। एनिमल्स एक्टिव एट नाइट जो रात में एक्टिव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं दे आर नोन एज नॉक्टर्नल। विच सिटी विल होस्ट 2022 ट्वेंटी टू कॉमनवेल्थ गेम्स अगेन रिपीटेड क्वेश्चन साउथ अफ्रीका सेरेना विलियम डिफीटेड डैश टू विन वुमेन्स सिंगल्स 2015 का टाइटल जीतने के लिए सेरेना विलियम्स ने देखिए अगेन यहाँ पे पूछा गया कि किसको हराया था ये नहीं भी कि, कि वो खुद जीती थी बट सामने उनका प्लेयर कौन था सो इट वॉज शारापोवा नेक्स्ट लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेज ऑफ इक्वल टेम्परेचर आर कॉल लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेज ऑफ इक्वल टेम्परेचर्स जो लाइन ज्वाइन करती है दिस आर नोन एज आइसोथर्म्स सर सीवी रमन अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर वर्क कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना सीवी रमन को किस फील्ड में मिला था तो आपको पता है सो द राइट ऑप्शन इज आंसर ए नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय अगेन रिपीटेड क्वेश्चन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी पैकर नेक्स्ट जो अग्नि मिसाइल का टेस्ट हुआ था ठीक है इस कैपेबल ऑफ कैरिंग कितना किलोग्राम का पेलोड अग्नि फाइव जो है वो कैरी कर सकती है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सो हियर द राइट ऑप्शन वुड बी अराउंड 1500 हंड्रेड नेक्स्ट हाउ मेनी डेज मून टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मून को कितना टाइम लगता है अर्थ के अलाउंड करने में, में तो आपको पता है इट इज इजी सेन बाई थ्री टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन विच एटमोसफेयरिक लेयर आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन से लेयर आपको पता है एटमोस्फेयर के वेरियस लेयर होते हैं तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आपके हाँ हाँ आंसर बताइए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स सो द राइट ऑप्शन इज आइनोसफियर ठीक है जो आपका एक्सोस्फिर का पार्ट है नेक्स्ट विनोद मेहता इज एन एमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट एंड द फाउंडर एडिटर इन चीफ ऑफ आउटलुक पब्लिश्ड हिज ऑटोबायोग्राफी बाय द नेम ऑफ विनोद मेहता की ऑटोबायोग्राफी का नाम आपसे पूछा गया है ठीक है कमेंट करिए अपने आंसर्स सो द राइट ऑप्शन हियर इज Lucknow Boy A Memoir. Next, the book Born Again on the Mountain is authored by ये book किसने लेखक की थी? हाँ आप लोग comment कर सकते हैं. Here the right option would be B. Arunima Sena. Next question. Which of the following Asian country celebrates its Independence Day on 4th February? Again a repeated question तो हम सब discuss already इसको कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं. श्रीलंका नेक्स्ट दादा साहब फाल अवार्ड 2014 में किसे दिया गया था तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि दादा साहब फाल अवार्ड किस लिए दिया जाता है तो आपको पता है कि ये एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड दिया जाता है और 2014 की अगर बात करूं तो ये जो अवार्ड है उस टाइम पे शशि कपूर को दिया गया था रशियन नेम ऑफ आईएनएस विक्रम आदित्य का रशियन नेम यहाँ पे पूछा गया है सो द नेम इज एडमायरल गौरश ठीक है आंसर ए एडमारोश ये रशियन नेम है आई एन एस विक्रमादित्य का नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में चेयरमैन इसरो कौन थे सो ए एस किरण थे आप प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो जान सकते हैं इंडियन अमेरिकन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज वन ग्रामी अवार्ड फॉर विच एल्बम सो ही वॉन इट फॉर विन्स ऑफ सामसरा ऑल राइट नेक्स्ट आप अगेन जो ये सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चंस आपको अब आप रिपीटेड मिल सकते हैं अगेन 2015 के ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस होने वाले हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑथर अबेंड इन द रिवर आपको अगेन बताना है अबेंड इन द रिवर Haan. Comment kariye aap log answer. The right option is B. V.S. Napal. Next, Long Walk to Freedom. It is a book which is written by. So here, the right answer is C. Nelson Mandela. Next question Which sport personality awarded by honorary? रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन बाय इंडियन एयरफोर्स तो ये हम सबको पता है कि ऑनरेरी रैंक जो है ग्रुप कैप्टन की किसे दी गई है सचिन तेंदुलकर नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग हैज बिन डिक्लेयर एबोला फ्री बाय डब्ल्यू एच ओ एबोला फ्री कंट्री सो नाइजीरिया हैज बीन डिक्लेयर एज ए फ्री बाय डब्ल्यू एच ओ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इंडिया वॉर्न इन एशियन गेम्स हेल्ड इन टू थाउजेंड फोर्टीन आप अभी प्रेजेंट या लास्ट हेल्ड गेम्स के नंबर याद कर सकते हैं उस टाइम पे जो नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स थे तो दैट वाज इलेवन गोल्ड ठीक है नेक्स्ट न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तो ये 2014 का है सो तो इसको हम एज इट इज लीव कर देते हैं उस टाइम का जानने से कोई फायदा नहीं है आप अभी प्रेजेंट सेक्रेटरीज या प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक बार लिस्ट देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल ठीक है अब देखिए सबसोनिक क्रूज मिसाइल आपसे पूछा गया है सो so, निर्भय जो है आपकी ये पहली लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि मिसाइल्स उनकी कैटेगरीज एंड उनकी सब कैटेगरीज और कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज विथ सेल इज कॉल्ड ठीक है तो द राइट आंसर जो सेल के साथ डील करता है सो दैट इज वाई इट इज नोन एज साइटोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न वॉज अवॉर्डेड टू टू फॉरनर सो फार एक उसमें नेल्सन मंडेला थे और दूसरा कौन था सो so द दूसरा पर्सन वॉज अब्दुल गाफर खान एन अदर फॉरनर जिन्हें भारत रत्न दिया गया था

22 अगस्त 1966 में इसका हेडक्वार्टर जो है मेट्रो मनानिया फिलीपींस में स्टैब्लिश हुआ था ठीक है सो हियर योर राइट आंसर वुड बी मनीला नेक्स्ट क्वेश्चन के 15 क्या मिसाइल है किस टाइप की मिसाइल है किस रेंज में ये मैंने अपने फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी कवर किया हुआ है जिन्होंने मेरा फर्स्ट सेशन एयरफोर्स अफेयर्स का नहीं देखा है वो जाके अपना एयरफोर्स अफेयर्स देख सकते हैं के 15 का एक न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है ठीक है सो इट इज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया अग्रीड टू यू एन चीफ बैंकी मूंज ऑफर टू रिमेन एज अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ये टू थाउजेंड फिफ्टीन की बात हो रही है यहाँ पे तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है तो उस टाइम पे इंडिया ने एग्री किया था यू एन सी सी टी को उस टाइम पे कि इट विल रिमेन द मेम्बर ऑफ यू एन सी सी टी नेक्स्ट नेशनल पार्क रिलेटेड आते काजी रंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर किसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है सो so, काजीरंगा जो आपका ये आसाम में प्रेजेंट है एंड इट इज यूजली फॉर वन हॉट राइनोज नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल मेडल इन ओलम्पिक इंडिविजुअल मेडल पूछा गया द ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर इट इज डी के डी के डी का फुल फॉर्म खासबा दादा साहेब जादव एंड ही वॉज बॉर्न अराउंड इन नाइनटीन एटी फोर एंड एन इंडियन एथलेटिक बेस्ट नोन एज रेसलर Who among the the following was the Congress president at Madras session 1927 when it boycotted Simon Commission? कौन कौन लोग मेंबर थे सो कुछ तो आप देखिए इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं और उन्हीं को देखते हुए करंट अफेयर्स है या हिस्ट्री है उसको प्रिपेयर किया जाता है सो साइमन कमीशन बीइंग द इम्पोर्टेंट पार्ट या कांग्रेस नेशनल सेशन बींग एन इम्पोर्टेंट पार्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सो so, उस टाइम पे जो है एम एंसारी वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट मद्रास सेशन ठीक है सो एम ए अंसारी ने बॉयकॉट किया था साइमन कमीशन को वाई डिड कालिंगा प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका कालिंगा के बारे में ऐसा क्या था सो द राइट ऑप्शन वुड बी अशोका बिकेम अ जेलिस बुद्धिस्ट हुआ ये था एक्चुअली कि अशोका ने इन्वेट किया था कालिंगा को अराउंड 261 बीसी में इस टाइम पे अराउंड दो लाख लोग मरे हुए थे कुछ घायल हुए थे और कुछ बंदी बन गए थे ठीक है इतना ह्यूज लेवल पर यह मैस्यर हुआ था ह्यूमन लाइफ पे जिसमें इतने ज्यादा लोग इतने बड़े अमाउंट पे जख्मी हो गए थे इसने जो है एक काफ़ी गहरी छाप छोड़ दी थी अशोका के दिमाग में सो हे डिसाइडेड टू स्पेयर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड स्प्रेड बुद्धिज्म अराउंड द वर्ल्ड इसीलिए ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था कालिंगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एपिसोनेट सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय कौटिल्य तो आप इसके आंसर बताइए आप द राइट आंसर इज सी पॉलिटिकल ब्रांच नेक्स्ट क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी डिड नॉट बिल्ड वट इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बिल्ड करा सो द राइट आंसर इज डी जमात खाना मस्जिद ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फोइंग डेनेस्टीज वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ एलेक्स इनोवेशन एलेक्जेंडर के इनोवेशन के टाइम पे कौन सी डेनेस्टी रूल नहीं कर रही थी नॉर्थ इंडिया पे सो इट वॉज नंदा डेनेस्टी इसमें से आपको देखिए चॉइस दे दी गई है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपको बतानी है सो अग्नि सिक्स बींग द लॉन्ग रेंज इंटरकॉल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है डेवलप्ड बाई डी आर डी ओ डीआरडीओ फुलिफेंस रिचर्च एंड डेवलपमेंट Organization. Next question Who among the following was adjudged as the most valuable player for 17th Asian Games in South Korea? So 2015 may Joe Asian Games Kusaiko Hagno 20 won 20 medals of Japan. He was considered as the most valuable player for थाउज से टू थाउजेंड फोर्टीन पे फटाफट से 2014 के डिस्कस कर लेते हैं आई होप यू ऑल आर नॉट बोर्ड एंड काफी मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन डिस्कस करके क्योंकि काफी आइडिया लग रहे होंगे ये भी पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन किस एस्पेक्ट में कहां से रिपीट होते हैं सो द फर्स्ट वन विच इज कमिंग हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स टाइटल कवि राजा कवि राजा का टाइटल कौन से रूलर के पास था सो कवि राजा का जो टाइटल था दॉ विथ समुद्र गुप्ता जो कि रूलर थे गुप्ता एम्पायर के एंड चंद्रगुप्ता द वॉसराय डिवाइडेड बेंगाल बाय द डिवाइड पॉलिसी एंड रूल उस वॉयसराय का नाम आपको बताना है सो द राइट आंसर इज लॉर्ड कर्जन जिन्होंने डिवाइड रूल पॉलिसी बनाई थी नेक्स्ट द राइट टू वोट इन द नेशनल इलेक्शन राइट टू वोट जो है ये कौन से राइट uh, right है हमारा दिस इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ठीक है तो दिस डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट एल्गे ऑफ एन फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वॉटर बट सिंक ड्यूरिंग नाइट एलगे जो दिन में सरफेस ऑफ़ वाटर पे फ्लो करता है है है। और रात में नीचे सिंक हो जाता है, जाता यानी डूब द डे एंड नाइट तो दिस इज द दैट नेक्स्ट ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान का ऑथर बहुत ही फेमस बुक थी काफी लोगों ने पढ़ी सबको पता होगा इसका आंसर कुशवंत सिंह नेक्स्ट ऑन विच सिटी बर्लिन रिवर इज सिचुएटेड बर्लिन रिवर का Uh, Kispe situated, so it is situated in the northeastern Germany on River Spree. Commonwealth Games relay Baton was tradition has traditionally contained the Queen's Baton Relay. Uh, one of the great tradition of Commonwealth games have started to somewhat in 1958. And here the right option is a message from the head of the Commonwealth Games who was the first woman to climb mount everest? first woman to climb mount everest was junko tabai. it was a japanese and the first indian woman nagarbola it was bajendri pal. Okay? next question. who founded the asiatic society of bengal in kolkata? the right answer is sir jones. sir william jones. he founded the asiatic society in bengal. पोएट्री डे रिकोगनाइज बाई यूनेस्को कब ऑब्जर्व किया जाता है सो पोएट्री डे इज ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर नेक्स्ट इन विच रेस्पेक्ट स्टेट रिलेशन हैव बीन स्पेसिफिकली एज सो इट इज डी सेंटर्स कंट्रोल ऑन स्टेट इन द प्लानिंग प्रोसेस यंगेस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज जो है इट इज वॉट So Himalayas is one of the youngest mountain range in the world. Next question: First Commander-in-Chief of Indian Air Force. Indian Air Force, so it was Thomas walker emerist He was the first commander-in-chief of Indian Air Force from 1947 to somewhere around 1950. Air Force affairs to definitely Next, splash and burn culture. कल्टिवेशन आप सबको पता है फेमसली इज नोन एज झूम कल्टीवेशन थ्योरी गेव बर्थ टू फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन इन अमेरिका आपको उसका नाम बताना है वॉट विच वॉज द थ्योरी सो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स गेव बर्थ टू दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन इन अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट इज द फेमस बाउंड्री लाइन बिटवीन So 38th parallel is basically in the north is a circle of latitude that is 38 degrees to the north of Earth's equatorial plane, and it crosses Europe, Mediterranean Sea, Asia, Pacific Ocean. So here the right option would be South Korea and North Korea. Satyamev Jayate is borrowed from which of the following? Satyamev Jayate कहाँ se gaya? It's a very uh, no. फेमस एंड नॉर्मल थिंग बट मोस्ट ऑफ अस आर एक्चुअली एन अवेयर अबाउट इट सो ये आपका मुंद का उपनिषद से उठाया गया है सत्यमेव जयते अपॉन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वॉज अडेप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया और ये आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है तो एट टाइम्स सत्यमेव जयते ये भी पूछा जाता है कि कौन सी भाषा में कौन सी लिपि में लिखा गया तो ये आपका देवनागरी में लिखा गया ठीक है और जो लॉयस है वो आपके सारनाथ से इब किए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन uh, चले आते हैं उसके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पे गवर्नर जनरल ड्यूरिंग सिपॉय म्यूटनी ठीक है 2014 नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस फटाफट से आंसर करिए इसके आप लोग यस कमेंट करिए कमेंट करिए सो हियर द राइट ऑप्शन इज सी लॉर्ड कैन नेक्स्ट क्वेश्चन व्च ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनमें से चारों स्टेटमेंट को देखिए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें इनकरेक्ट है ठीक है आप एक एक करके देख सकते हैं सो so, इन सबको पढ़ने के बाद गोवा अटेंड फुल स्टेट स्टेटहूड इन एटीन एटी सेवन डी इज एन आईलैंड इन गल्फ ऑफ कंबा दमन एंड डी यू वेर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाई फिफ्टी सिक्स अमेंडमेंट दादर एंड नगर हवेली वेयर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल सो डी इज द स्टेटमेंट दैट इज इन करेक्ट तक ये आफ्टर इंडिपेंडेंस बता रहे हैं तो तब तक, तक तो दादर एंड नगर हवेली फ्रेंच कॉलोनियल रूल के तहत नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन On which river is Washington DC situated? Washington DC river is situated hai? The right answer is Potomac River. When body is accelerated, what happens? Velocity never changes, speed always changes, direction always changes, or speed may or may not change. What actually happens? So here the right option would be its speed always changes. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यू एन इसमें से कौन जो है वो यूएन की एजेंसी नहीं है सो इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएन वट काइंड ऑफ मिसाइल इज ब्रह्मोस देखिए ब्रह्मोस से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन आ रहे हैं एफ ओ सफेस में मैंने पूरा कवर किया है ब्रह्मोस से रिलेटेड मैं आपको बताऊं सो so, ब्रह्मोस आपको पता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है Jo, that can be launched from submarine ships and aircrafts. So, this B option supersonic cruise missile. Which of the following is not a unit of energy? Energy ki unit is not a unit of energy. So, here the right option is what? What is a unit of power in international system of units? Hai? It's not a unit of energy. हु इज कंसिडर्ड मिलिट्री जीनियर ड्यूरिंग द रूलिंग इंडिया क्वेश्चन पहले भी आ चुका है राइट ऑप्शन वुड बी समुद्र गुप्ता नोन एज ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वेरी फेमस बहुत फेमस क्वेश्चन है काफी बार रिपीट हो चुका है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी हु फॉलोइंगज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया द राइट इज पार्लियामेंट क्स्ट क्वेश्चन बालीघर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिल्टअअप हुआ है तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था इट इज चेनाब रिवर विच इंडियन स्पोर्टमैन वॉज अपॉइंटेड एज मैसेजर ऑफ पीस इन टू थाउजेंड वन बाय सो द राइट ऑप्शन इज डी विजय अमृतराज on 2001 he was appointed as a un messenger of peace by the community of people in need for devoting his time in raising awareness about the drugs related to hiv aids 2013 may indian women hockey team secured the following position in asian champions trophy here the right answer is second position which is the longest bone in human body तो आपको पता है जो लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में है वो हमारे पेल्विक रीजन में है फ्रॉम हिप जॉइंट विद डिस्टल पार्ट ऑफ फीमर आर्टिकल सो फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन टेल लेग्स जो हमारी लेग बोन है हिप जॉइंट से वो दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन यूएस टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज फाउंड द मैकेजम रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग प्रोसेस इज लोकेटेड फोर्टी द राइट आंसर इज इनसाइड द ब्रेन Next question. Outermost layer of sun. Sun ka outermost layer kya hota hai? So, the visible surface of the sun, the photosphere is the layer below the sun, which sun becomes opaque to light. So, the right answer here is photosphere is the outermost layer. Next question. Institute of Science, Bangalore was founded by. Indian Institute of Science, IISC was founded by. Jamshed टा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन गैलेंट्री मेडल नॉन गैलेंट्री मेडल आपको पता है सो so यहां पे आपका राइट right आंसर होगा बी अर्जुना अवार्ड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स सो इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ गैलेंट्री मेडल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय स्वेज कैनाल से कौन से कनेक्टेड है वाटर बॉडीज सो स्वेज कैनाल एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि इजिप्ट में डेवलप किया गया है कनेक्टिंग मेडिटेरियन सी टू रेड सी सो योर ऑप्शन वुड बी मेडिटेरियन सी टू रेड सी नेक्स्ट कालहानाज रत्नागिरीज़ इज हिस्ट्री ऑफ सो so, रत्नागिरी आपको पता है हिस्टोरिकल क्रॉनिकल नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट है पर्टिकुलरली किंग्स ऑफ कश्मीर के एंड रिटन इन संस्कृत बाय कश्मीरी ब्राह्मण कल्हाना जो कि ट्वेंथ सेंचुरी में हुआ था सो हियर द राइट आंसर वुड बी कश्मीर

विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है सो so ये सारे अपने कैपिटल से मैच है बट uh, अपने कैपिटल से मैच नहीं है सो नॉर्थ कोरिया एंड सियोल पेयोंग इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया पेंग्योंग ठीक है तो बाकी सब अपने कैपिटल से मैच्ड है नेक्स्ट 2013 पे आते हैं और डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके फर्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी टर्म किसने अकॉर्ड किया था आप लोग अपने आंसर्स कमेंट कर दीजिए फटाफट से सो so, महात्मा गांधी जो टर्म है एम के गांधी को वो महात्मा जो टर्म है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था नेक्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था सो so, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये आपका हुआ था बी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था ड्यूरिंग मिडिल एजेस एजुकेशन वॉज कन्फाइंड टू ऑन ए पर्टिकुलर क्लास एक पर्टिकुलर क्लास में ही एजुकेशन सिस्टम पहले आपको मिलती थी सो so, वो क्लास थी ब्राह्मण्स को ही पहले अलाउड था एजुकेशन ग्रांट करना नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका श्रीलंका में बुद्धिज्म किसने Uh, किया था सो इट वॉज अशोका यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट अशोका ने बेसिकली अपनी डॉटर संगा मित्रा एंड सन महिंद्रा को भेजा था स्प्रेड करने के लिए बुद्धिज्म पर यहाँ पे उनके ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सो यू द राइट ऑप्शन अशोका इट सेल्फ नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट्स विच हैव लो वैल्यू ऑफ फाइनाइजेशन पोटेंशियल आर स्ट्रॉन्ग दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वाइन रोनी वॉज अ फेमस फुटबॉलर हिल्स फ्रॉम विच कंट्री सो द राइट आंसर हियर वुड बी इंग्लैंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफिशियल सॉन्ग वाका वाका आपने देखा था फीफा वर्ल्ड कप का फेमस हुआ था टू थाउजेंड टेन में किस पॉपुलर सिंगर ने गाया था येस वी ऑल नो द राइट आंसर द राइट आंसर इज शकी नेक्स्ट क्वेश्चन टू थाउजेंड एंड एलेवन द एज बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल को ऑनर uh, किया गया था विच पर्टिकुलर स्पोर्ट्स अवार्ड के साथ सो इट वॉज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड साइना नेहवाल को दिया गया था टर्म विजिबल हॉरिजोन का मतलब एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है सो विजिबल हॉरिजोन इज समथिंग द सर्कल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द अर्थ एंड कोन ऑफ विजुअल रेज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज टर्म विजिबल हॉरिजोन नरेगा स्टैंड फॉर नरेगा का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पे सो नरेगा स्टैंड फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रिवर सतलुज कहाँ से ओरिजिनेट हुई है रिवर सतलुज सम्स जिसे रेड रिवर भी कहा गया है इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक रकाश नेक्स्ट क्वेश्चन लेमेटिकटल सो लेनेटिक और इज एन आयरन ओर बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक रेवोल्यूशन क्यों कहा गया है ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू सेल्फेंडें डिपेंडेंस ऑन पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल करार इज एन अनमैंड बॉमर एयरक्राफ्ट तो नाम से आपको पता चल रहा होगा ये कहाँ का है करार इज फॉर ईरान ऑथर ऑफ बुक फेथ मेंबर्स ऑफ मेंियन ये किसने लिखा था सो हियर द राइट आंसर वुड बी d somna Chatterjee. next question dashida so dash is an hormone which controls the balance of calcium in the body the right answer would be it is calcitonin which is responsible and which is the right answer Next question: The cell wall in plant is interrupted by narrow pores carrying fine strands of cytoplasm, which interlink the content of cells. Or is transco? We call it as the right answer is C. Plasmodesmata. Next question: Who is the cricketer bestowed with an honorary commission in Territorial Army? Territorial Army में a commission mila tha? बी कपिल देव को भी टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन मिला था जिन लोगों को पता है ऑनररी रैंक उन्हें भी दी गई थी नेक्स्ट द ट्रांसपोर्ट फिनमिना अकर्स ओनली इन डैश स्टेट ऑफ गैस एंड इज तो यहां पे आपको बताना है राइट आंसर तो हियर राइट आंसर वुड बी नॉन इक्विब्रियम स्टेट एंड इज रिवर्सेबल इिवर्सिबल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म नाइट्रेट्स विथ नाइट्रस एसिड्स टर्सरी सेकेंडरी ऑल दीज कंपाउंड नाइट्रिस एसिड ठीक है अब आ जाते हैं टू थाउजेंड ट्वेल्व पे सो टू थाउजेंड ट्वेल्व का मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है अब आप फटाफट फट से आंसर बताइए द पर्सन इज रिकॉर्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशंट इंडिया आप अपने आंसर बता सकते हैं एंशंट इंडिया का ग्रेटेस्ट लॉ गिवर द राइट आंसर इज सी मानू ने लार्जली रेस्ट ग्रेजुअली ड्यू टू बुद्धिज्म बिगनिंग ठीक है सो द राइट ऑप्शन इज हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म प्रोपोगेशन गांधीजी स्टार्टेड डांडी मार्च गांधीजी ने डार्डी मार्च स्टार्ट करा था बेसिकली साल्ट मार्च साल्ट सत्याग्रह जो ट्वेल्थ मार्च 1930 में उन्होंने अपना स्टार्ट करा था सो हियर द राइट ऑप्शन वुड बी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ जिसे सत्याग्रह बोला जाता है नेक्स्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिगॉन ऑन टेंथ में कहां से शुरू हुआ था सो इट वॉज फ्रॉम मेरठ Sun rises in Arunachal Pradesh two hours before it does in Dwarka in Gujarat. Why does it happen so? Because there is a variation of about 30 degree longitude than Dwarka, and Earth rotates from west to east. So, right option would be C, situated further east, about 30 degree longitude than Dwarka. Srinagar is situated on the bank of which river? So, it is river Jhelum. एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो मेघालय असाम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश दे रिव मोर देन अप्रोक्सीमेटली टू थाउजेंड सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आइसोथर्म्स आइसोथर्म्स इमेजिनरी लाइन होती है विच कनेक्ट प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर थर्म इज टेम्परेचर जिम कॉबिट नैशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट जिम कॉबिट नैशनल पार्क इज सिटेड इन जल्दी से बताइए विच स्टेट वेरी इजी उत्तरांचल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सन इज करेक्ट सन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन वुड बी ऑल राइट क्योंकि सन जो है वो मेनली हाइड्रोजन से बना है तो इसीलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कनेक्टिविटी देगा दैट सन कंज्यूम्स अबाउट पाउंड ऑफ हाइड्रोजन एवरी सेकंड और जो इसमें एनर्जी जेनरेट होती है जिसे नाम दिया गया है न्यूक्लियर फ्यूजन नेक्स्ट सुपरसोनिक स्पीड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड दैट इज इक्वेल टू समीड हियर इज A, 760 miles per hour yoga sutra was written by yoga sutra was written by patanjali next question national institute of oceanography kaha pe located hai? so it is located in panaji next question an aeroplane rises because why does an aeroplane rise so aeroplane rises because the pressure of its wing is less than the pressure below them the air pressure is hai that is below its wings. Rocks formed on the solidification of molten matter. Very easy to answer. It is the igneous rocks. Next question. Pioneer of atomic energy in India. So it is Homi J. Bhabha. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फीफा वर्ल्ड कप टू थाउजेंड टेन इज नॉट करेक्ट टू थाउजेंड टेन में जो फीफा वर्ल्ड हुआ था उससे रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट नहीं है सो हियर द राइट ऑप्शन वुड बी डी जमु की जो ऑफिशियल मैस्ट है वो एफ्रिकन बुश एलिफेंट नहीं दैट वॉज अड नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट इंडियन टू विन आर्मेचर स्नूकर चैंपियनशिप कमेंट करिए अपने आंसर द राइट ऑप्शन इज wilson jones next question first person to win arjuna award for badminton the right option is nandu nartikar he is the first player 1961 to win this award next question which sports require the largest field सो द राइट आंसर इज डी पोलो यूजली वी थिंक ऑफ फुटबॉल बट फुटबॉल से भी बड़ा फील्ड चाहिए होता है पोलो के लिए सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर द ब्राह्मी स्क्रिप्ट 1838 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है किसने डिस्कवर की थी चलिए आंसर बताइए फटाफट से कमेंट करके द स्क्रिप्ट वर्डर्ड बास प्रिंसेप्ट He was an archaeologist, philologist, and the official of the British East India Company. Next, father of administration in medieval India, Kanthe. Comment kari. Apne answers. So, father of administration in medieval India was Sher Sa Suri. Next question. Brahma Samaj was founded by whom? Repeated question. Kaiba rachuk hai. Brahma Samaj was founded by Rajaram Mohan roy who discharges the function of a president when vacancies occur in the office of president and vice president simultaneously so it is b chief justice of india which sport is lewis hamilton associated with apnasa famous person lewis carl davison hamilton it, he is an mbe is a british formula one racing driver from england f1 race from which country does top-seeded tennis player Rafael Nadal hails from? Rafael Nadal Pereira was born around in 1986 and he is a Spanish professional tennis player. Okay. So, the right option is C. Next question. Indian boxer who won gold medal in 60 kg category Asian Games became the youngest to win the boxing gold for India. So... राइट आंसर हियर इज कमेंट करिए आइडिया विजेंदर सिंह नेक्स्ट पेस थाउजेंड पार्टनरशिप विद कारा ब्लैक टाइटल्स ऑफ विम्बलडन ओपन टेनिस चैम्पियनशिप टर्म प्राइम वर्टिकल इन एस्ट्रोनॉमी मीन्स प्राइम वर्टिकल का मतलब क्या होता है एस्ट्रोनॉमी में प्राइम वर्टिकल का मतलब होता है द वर्टिकल सर्कल विच पास थ्रू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द पेन एंड इज पैरल टू मेरिडियन ऑफ द प्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन मनरेगा मनरेगा का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है सो मनरेगा इज महानगर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी

डिपेंडेंस इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे डील पता होना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर हो जाएगा बट हम कंट्री ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो एक और क्वेश्चन जो हमें मिला इट इज बिटवीन रशिया ऑथर फ्रैगनेंस ऑफ फॉर गॉटन इज दिस बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय बिल्किस लतीफ नेक्स्ट क्वेश्चन Vertebrates have two endocrine glands associated with brain, namely conce. One is pituitary and one is pineal. Layer common to two adjacent plant cells called middle lamella is composed of. Middle lamella is composed of what? The right option is calcium pectate. With the increase of effective nuclear charge, size of atom or ion is it increases decreases remains same and will depend upon the period from time to time group to as the effective nuclear charge increase or the size of atom it will depend on the period to period and group to group next question on which of the following statement kinetic theory of matter base so it based upon all of the above matter is made up of molecules molecules are in rapid motion molecules experiences forces of attraction between one another. Next question uh, iska jo 39 ka answer hoga, that would be C molecules experiences forces of attraction between one another 40 when heated with chloroform secondary amines and tertiary amines what would be the right answer? Gives, gives, so कहा हुई किसके किसके बीच में हुई थी वो आपको बताना है बहुत आसान है हमने डिस्कस भी किया था डिफरेंट बैटल्स को सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन

और राजगुरु को कब फांसी हुई थी? किसके राज्य में? लॉर्ड इरविन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विनर ऑफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक तो आपको पता है, माइकल फेल्प स्विमिंग में काफी ज्यादा मिला था आगा खान कप, ट्वेंटी 20...

Next question, Borlang award is given in which category? Contribution in which category? So, Norman Borlang, jo father the father of Green Revolution, ke the, and it is given in the field of agriculture. Highest Indian gallantry award which could be given in peacetime? So, the highest gallantry award is Ashok Chakra. Most successful launched satellite? It is PSLV. क्वेश्चन रिपीटेड सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन ब्लैक सॉइल जिसे रेगर सॉइल के भी नाम से जाना जाता है इंडिजीनियसली बिल्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया चाइना और इंडिया के बीच में बाउंड्री मैगमोहन लाइन इक्विनॉक मींस जब डेज एंड नाइट आर इक्वल सो फर्स्ट इक्विनॉक्स इज मार्च ट्वेंटी फर्स्ट सेकेंड इज ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेंबर Next, UNHCR theke, is an organization of United Nations was established to provide. UNHCR is United Nations Higher Commission for Refugees. So, it is for protection of refugees. Authored the book Train to Pakistan. Repeated question. Kushwan Singh is the right answer. Again, repeated question. Vitamin required for blood clotting. विटामिन के फेमस क्लासिकल डांस रिपीटेड क्वेश्चन आंध्र प्रदेश द राइट ऑप्शन वुड बी ये तो बहुत आसान है कुचिपुड़ी नेक्स्ट कार्बन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट टर्म एसोसिएटेड विथ, जल्दी बताओ भाई बहुत आसान है रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन द एटमॉस्फेयर ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं इलेवन के लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन फेमस ग्रांड ट्रंक रोड पेशावर से कोलकाता में बिल्ट हुआ था बाय सो इट वाज बिल्ट बाय शेर सूरी इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोड इन एशिया अशोकन पिलर हुए कैपिटल कार्विंग वॉज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज नेशनल एम्बुल और ये सिटुएटेड है सारनाथ में अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय राइट ऑप्शन कमेंट बी आर अंबेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू ग्रेट रेवल्यूशनरीज हु थ्रू अ बॉम इन लेजिस्लेटिव असेंबली इट इज भगत सिंह एंड बी के दत्त लुइस रूल्स कौन से टर्म कौन से गेम में ये टर्म यूज होता है सो इट इज यूज इन क्रिकेट बताया था. इट इज स्पोर्ट्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जिनको तबाह फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन वर्ल्ड एंड बजेंद्री पाल इज द राइट आंसर जो कि इंडियन वुमेन थी फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कहां हुए थे इट वेयर हेल्ड इन एंथेंस इंडिया टॉप दर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करता है सो इट इज द राइट ऑप्शन इज डी माइका डीपीटी वैक्सीन डज नॉट गिव प्रोटेक्शन टू अ चाइल्ड फ्रॉम आप डीपीटी वैक्सीन किसके लिए यूज होती है बी पोलियो वॉट विल बी द कलर ऑफ रेड रोज वेन इट इज सीन थ्रू ग्रीन ग्लास कलर्स प्राइमरी कलर्स के यूजेज दिए गए अगर ग्रीन ग्लास के थ्रू आप रेड रोज को देखेंगे तो क्या कलर दिखेगा आपको ब्लैक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा लोकसभा की पावर टू इंट्रोड्यूस द मनीटरी बिल ये सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है इंडिजीनियसली बिल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस वॉलोइंग क्रॉप एंड रिच इज नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल कौन सा क्रॉप जो है वो एनरिच करता है नाइट्रोजन कंटेंट को सो इट इज पी मटर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल विंड सी टू लैंड कॉज एस समर मॉनसून इन इंडिया सो द राइट ऑप्शन इज साउथ वेस्ट इंडिया परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री इज सिटुएटेड इन अंटार्टिका में है दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशन रूट इन द वर्ल्ड सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन रूट से डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ये अगेन मैंने एफ uh, सफेस में कवर किया है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड इन इट्स लोकेटेड इन वेलिंगटन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इंटरनेशनल सिक्योरिटी पीस वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर सो इट वॉज स्टैब्लिश इन नाइनटीन ऑथर ऑफ बुक फ्रीडम एट मिड द ऑथर इज कमेंट कमेंट कमॉन कमेंट करो कमेंट करो लॉर्ड कॉलिन्स एंड डोमिनिक लेपेरी अब आ जाते हैं हमने 2020 का डिस्कस नहीं किया था तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं मेरे पास 2020 के करंट अफेयर्स के जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ 2020 में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो थे आपके कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया लास्ट मुगर एम्पर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन Where was Satraga movement started? Repeated question. Hai aapko pata hai. India is the largest producer of bauxite. Then headquarters of SARC located in SARK countries. How many players are there on each side of volleyball match? Man declared man of the match in 1975 Cricket World Cup. Then location of headquarters of International Civil Aviation Organization, dates of First Asian games antonyms of knaves sporadic and cajole synonym of parochial number of players in kabaddi gas present in soda water capital of norway brunei location of sanchi stupa south most in point in india 25th state in india meaning of idiom get into hot water रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल आप दोनों देख सकते हैं आ नेम ऑफ जी सेवन कंट्रीज तो ये सारी चीजें थी ये सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक है 2020 में जो कवर अप हुए हैं सो दिस वाज ऑल अ कंप्लीट non stop session for the current affairs same will come up with every day we'll be also discussing reasoning english and other sections so you can subscribe to government crackers we are available on all social platforms subscribe on all the social platforms to get the regular update and for any study material or previous year papers you can visit to www.governmentcrackers.com if anybody is preparing for ekt and wants last minute question bank for ekt he or she can visit to www.governmentcrackers.com. So, best of luck, everyone. And if there are any doubt sessions, honge, so you can also comment me in the comment box for the topics related videos hai, which you find important. Uh, और यू वॉन्ट टू प्रिपेयर इन अ बेटर वे बिकॉज एग्जामिनेशन टाइम में हम सबको लगता है कि कोई हमें नोट्स प्रोवाइड कर दे या हमारे साथ नोट्स डिस्कस कर ले सो इट इज ईजियर फॉर अस टू स्टडी सो ऑलरेडी वीडियो वन में बोलूंगी वो रिलीज हो चुकी है अबाउट कंप्लीट एयरफोर्स फोर्स अफेयर्स डो नॉट मिस दैट वीडियो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप जाके उसको देख लीजिए दिस इज द सेकेंड एंड